नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया प्रश्न पत्र लेंगे। यह प्रश्न पत्र है UPHESC उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की तरफ से। तो जिसमें आपका जो प्रश्न पत्र है वो है आपका भूगोल विषय का, जिसमें आपसे कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। ये 100 प्रश्न दो भागों में विभाजित थे। पहला जो भाग था वो था आपका सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज, जिसमें 30 प्रश्न थे और उनका जो वेटेज था नंबरों का वो था आपका 60 अंकों का। इसी के साथ ही जो आपका वैकल्पिक विषय है, जिसमें हम लोग भूगोल विषय को देखेंगे, वो 70 प्रश्न है, जिनका जो अंकों का वेटेज है वो आपका 140 अंक है। अर्थात कुल 100 प्रश्न है जिनको आपको 2 घंटे में सॉल्व करना होता है, वह 200 मार्क्स के हैं, ठीक है, और निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल बात करेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की, जो कि 30 प्रश्न पूछे गए हैं 60 अंकों के। उसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग वैकल्पिक विषय अर्थात भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जो आपका प्रश्न पूछा गया है, पहला नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2016 की UGC की कौन सी अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास करता है या प्रयास है। Which UGC notification of 2016 tries to ensure quality research? ऑप्शन दिए हुए हैं PhD पूर्ण करने की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि, मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कम्प्लीटिंग PhD। दूसरा है PhD कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तें पूरी करना, फुलफिलिंग 11 conditions फॉर रनिंग PhD प्रोग्राम। तीसरा है पर्यवेक्षकों द्वारा उनके शोध विद्यार्थियों के शोषण को रोकने हेतु किए जाने वाले उपाय, मेजर्स फॉर स्टॉपिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स बाय देयर सुपरवाइजर्स। और चौथा है मुक्त विश्वविद्यालयों को PhD कार्यक्रम की अनुमति देना, अलाउइंग PhD प्रोग्राम्स बाय ओपन यूनिवर्सिटीज। अब आप बताइए कि 2016 का जो UGC रेगुलेशन था उसके अनुसार अनुसंधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन से अपनाए गए तकनीक, तो आप बताइए कि कौन सा आपका उत्तर सही होगा। आपको मैं 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप दिमाग लगाइए और बताइए कि कौन सा आपका उत्तर सही होगा। तो उम्मीद है कि आपने सही उत्तर का चयन कर लिया होगा। आपका जो सही उत्तर है वो है आपका एक नंबर, PhD पूर्ण करने की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि का निर्धारण करना। ओके, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि एक शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्थिति के 3 स्तरों से संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करना चाहता है तो इससे संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण किया जा सकता है। इफ ए रिसर्चर वांट्स टू कंपेयर एनजीटी ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू 3 लेवल्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, देन द डेटा रिलेटेड टू दिस कैन बेस्ट बी एनालाइज्ड थ्रू। ऑप्शन दिए हुए हैं केवल टी टेस्ट द्वारा, केवल इनोवा टेस्ट द्वारा, इनोवा के साथ साथ टी टेस्ट द्वारा, इनोवा टेस्ट द्वारा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है कि इनोवा टेस्ट के साथ साथ टी टेस्ट के द्वारा। तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 3 नंबर कि स्मार्ट मोबाइल फोन में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर उपयोग होता है। इन स्मार्ट मोबाइल फोन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्टली यूज्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं डॉस, विंडोज XP, विंडोज 7 एंड एंड्रॉयड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है एंड्रॉयड। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया 4 नंबर कि जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे कहते हैं। द सॉफ्टवेयर यूज टू सर्च वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं सर्च फर्मवेयर, सर्च प्रोसीजर या सर्च विधि जिसे कहते हैं। तीसरा है सर्च प्रकाश, सर्च लाइट। चौथा है सर्च इंजन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, सर्च इंजन। ओके, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 5 नंबर कि किसी नेटवर्क में WLL होता है। इन ए नेटवर्क द WLL इज। ऑप्शन दिए हुए हैं वाइड लाइन लूप, वायरलेस लो लिंक, वायरलेस इन लोकल लूम लूप, और चौथा है वर्किंग लो इन लाइन। अब आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा उत्तर सही होगा, अब आप बताइए। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 3 नंबर, वायरलेस इन लोकल लूप।
छह नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग होता था। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स द वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी सेकंड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी थर्ड जनरेशन, चतुर्थ पीढ़ी फोर्थ जनरेशन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, वो है प्रथम श्रेणी या प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का उपयोग कंप्यूटर के विकास में किया गया था। सात नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एलिनो किससे संबंधित है। एलिनो इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन दिए हुए हैं समुद्री जलधारा ओशियानिक करंट, समुद्री लहर ओशियानिक वेव, एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस मतलब वायुमंडलीय विक्षोभ, पर्यावरणीय विक्षोभ इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस। अब आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा आपका सही होगा, वो आपका सही है समुद्री जलधारा। आठ नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन दिए हुए हैं न्यूक्लियर ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, दूसरा है वनारोपण एफॉरेस्टेशन, तीसरा है कूड़ा कचरा से ऊर्जा का रूपांतरण वेस्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, और का चौथा ऑप्शन है वो है आपका सौर ऊर्जा या सोलर पावर। अब आप बताइए कि कौन सा क्लाइमेट एक्शन का पार्ट नहीं था। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है न्यूक्लियर ऊर्जा या ये आपका पार्ट। नौ नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिलेटेड विद द कंट्रोल ऑफ ओजोन डिप्लेशन। ऑप्शन दिए हुए हैं क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, टोरंटो प्रोटोकॉल एंड रियो कॉन्फ्रेंस। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब आपको क्या करना है, बताना है कि जो रियो सम्मेलन हुआ था उसे किस और अन्य नाम से जाना जाता है और किस सन में किस देश में हुआ था। इसके साथ ही जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था और किसे आपका पृथ्वी प्लस फाइव सम्मेलन कहा जाता है। इसके अलावा आपको बताना है कि टोरंटो प्रोटोकॉल किस विषय वस्तु से संबंधित था। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं रणथंभौर, मानस, इंद्रावती, सह्याद्री। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। और आपसे पूछा गया है कि दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ऑप्शन दिए हुए हैं एक दो तीन सही है, एक दो चार सही है, दो तीन चार सही है या एक दो तीन चार सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका चारों है कि एक दो तीन चार, ये चारों आपके टाइगर रिजर्व से घोषित किए गए हैं। अब जो है इसके बाद अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 11 नंबर कि भीमा नदी प्रमुख सहायक है। द रिवर भीमा इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ। ऑप्शन दिए हुए हैं कृष्णा, गोदावरी, गंगा, महानदी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कृष्णा की। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रेगुर या रेगुर जिसे बोलते हैं शब्द संबोधित करता है। द टर्म रेगुर रिफर्स टू। ऑप्शन दिए हुए हैं दोमट मिट्टी एलुवियल सॉयल, दूसरा है आपका लेटराइट मिट्टी लेटराइट सॉयल, तीसरा काली कपास मिट्टी ब्लैक कॉटन सॉयल, चौथा है लाल पीली मिट्टी रेड एंड येलो सॉयल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा, आपका है तीसरा नंबर काली कपास की मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वींस ruled after the death of her husband in ancient India. Option दिए हुए हैं अपाला, नागानिका, यशोदा, महाप्रजापति गौतमी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है नागानिका। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 14 नंबर कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। How many suktas are there in the Rig Vedas? अब आपके ऑप्शन जो दिए हुए हैं 1017, 1035, 1040, 1055। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 1017। 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्राचीन भारत में कांची कहाँ है। ऑप्शन दिए हुए हैं कर्नाटका, हरिद्वार, ग्वालियर, तमिलनाडु। वेयर वॉज कांची ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड।
तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है तमिलनाडु। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया है आप बताइए 16 नंबर कि किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, इन विच ईयर प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड। ऑप्शन दिए हुए हैं 1856, 1857, 1860, 1895। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 1857। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है, द फॉर्म ऑफ द ओथ ऑफ ऑफिस फॉर ए मिनिस्टर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया इज इंट्रिंस्ड इन द। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके संविधान की प्रथम सूची में, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है संविधान की द्वितीय सूची में, सेकंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है आपका संविधान की तृतीय अनुसूची में, थर्ड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की चतुर्थ अनुसूची में, फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कि संविधान की तृतीय अनुसूची में। 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां हैं, राज्यसभा हैज पावर्स इक्वल टू लोकसभा। ऑप्शन दिए हुए हैं अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के विस्तार में, इन द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरा है सरकार को पदच्युत करने में, इन द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा है संविधान के संशोधन में, इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है चौथा है आपका कटौती प्रस्ताव के निर्माण में, इन मेकिंग कट मोशंस। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, आपका है तीसरा, संविधान के संशोधन में। 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, हाउ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। ऑप्शन दिए हुए हैं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दूसरा है आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तीसरा है आपका लोकसभा के सदस्यों एवं विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड मेंबर्स ऑफ विधानसभा, और चौथा है आपका राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है दो नंबर, संसद की दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 20 नंबर कि भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया, नीति आयोग इन इंडिया हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस सिंस। ऑप्शन दिए हुए 1 सितंबर 2014, 25 दिसंबर 2014, 1 जनवरी 2015, 8 मई 2015। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, वो आपका है 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 21 नंबर कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक परिवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस बीइंग गिवन टू ईच आइडेंटिफाइड पुअर हाउसहोल्ड अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ऑप्शन दिए हुए हैं 1000, 1400, 1600, 1900। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 1600। अगला प्रश्न आपसे 22 नंबर पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा बजट 2016-17 में प्रारंभ किया गया नकुल स्वास्थ्य पात्र किससे संबंधित है, नकुल स्वास्थ्य पात्र इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2016-17 बजट इज रिलेटेड टू। ऑप्शन दिए हुए हैं जनसंख्या स्वास्थ्य, हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, तीसरा है डेयरी क्षेत्र, डेयरी सेक्टर, तीसरा है गरीबी निवारण, पॉवर्टी इरेडिकेशन, और चौथा है सामुदायिक कल्याण, कम्युनिटी वेलफेयर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, वो आपका है डेयरी सेक्टर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 23 नंबर कि विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्न में से किस वर्ष 2016 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया, किस निम्न में से किस वर्ष प्रदान किया गया, मतलब किसको प्रदान किया गया। ऑप्शन दिए हुए हैं बी ए अत्रे, विश्वनाथन शांता, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी एंड डॉक्टर एन एस रामानुज आचार्य। इंग्लिश वर्जन आप देख लीजिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इंग्लिश वर्जन के लिए देखते हैं वीडियोस। तो उनका है कि हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड फॉर हिज पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग 2016। अब आपका ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप उनको देख लीजिए, अब बताइए कौन सा आपका उत्तर सही होगा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है डॉक्टर बी ए अत्रे। 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2015 में पणजी में आयोजित भारत के 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में
किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता? विच फिल्म वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट द 46th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड इन पणजी इन नवंबर 2015? ऑप्शन दिए हुए हैं द ब्यूटीफुल सिटी, दूसरा है द किंडरगार्टन टीचर, तीसरा है आपका एम्ब्रेस ऑफ द सर्पेंट, चौथा है आपका ऑन द विंग्स ऑफ ड्रीम्स। अब आपका जो सही उत्तर है वो आपका है एम्ब्रेंस ऑफ द सर्पेंट। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इंद्र 2015 क्या है? अब देखिए 2019 में पेपर आया, ये प्रश्न पत्र जो पेपर हुआ था जिसकी परीक्षा हुई थी वो हुई थी आपकी 12 जनवरी 2019 को, आपसे प्रश्न पूछे गए 2015 तक के, तो आप जो आप जीएस का पार्ट तैयार करेंगे वो कम से कम 3-4 साल तक का तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इसी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स जो है फेलियर हुए। अगला जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि भारत तथा रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बाई द इंडिया एंड रसिया, दूसरा है भारतीय मौसम विभाग द्वारा विकसित मौसम की निगरानी करने की अत्याधुनिक प्रणाली स्टेट ऑफ आर्ट वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम डिवाइस्ड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तीसरा है वैज्ञानिकों द्वारा विकसित धान को एक उत्तम किस्म जिसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, एंड एडवांस्ड वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट नॉट रिक्वायरिंग मच इरिगेशन, चौथा है आपका चंद्रमा की सतह की खोज के लिए इसरो द्वारा प्रक्षेपित एक उपग्रह ए सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो फॉर एक्सप्लोरिंग द मून सरफेस। अब आप बताइए कि इसमें से इंद्र 15 क्या था? तो आपका जो इंद्र 15 था वो आपका था भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगला जो प्रश्न पूछा गया 26 नंबर कि भारत के किस महान योद्धा की वर्ष 2016 में 475वीं जयंती आयोजित की गई, द 475th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ विच ग्रेट वॉरियर्स ऑफ इंडिया वाज सेलिब्रेटेड इन ईयर 2016। ऑप्शन दिए हुए महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, रानी दुर्गावती। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है महाराणा प्रताप। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 76 नंबर कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया निम्न में से किससे संबंधित है? द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एम्बिशियस स्कीम ऑफ स्टैंड अप इंडिया एम्स एट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों के लिए वुमेन एंड माइनॉरिटीज, दूसरा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं से एससीज एसटीज एंड वुमेन, तीसरा है अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से माइनॉरिटीज एससीज एंड एसटीज, और चौथा है उपरोक्त सभी से ऑल ऑफ द एबव। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? वो आपका बी नंबर है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं से। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया 28 नंबर कि शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी इज। ऑप्शन दिए हुए हैं शिक्षण कौशलों में निपुणता, मास्टरी ओवर टीचिंग स्किल्स, दूसरा है शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता, मास्टरी ओवर यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, तीसरा है शिक्षण में संचार माध्यमों एवं तकनीकों के समुचित उपयोग में निपुणता, मास्टरी ओवर एप्रोप्रिएट यूज ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, और चौथा है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उपरोक्त सभी, मतलब तीनों आपके शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है। 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है, डिलिमिटेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट रिफर्स टू। ऑप्शन दिए हुए हैं समस्या के अध्ययन में शोधकर्ता की सीमाओं से, लिमिटेशंस ऑफ रिसर्चर इन स्टडीइंग द प्रॉब्लम, दूसरा आपका जो है शोध की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से सेटिंग लिमिट्स टू द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, तीसरा है शोध समस्या के परिभाषीकरण से डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, और उसके बाद चौथा है आपका उपरोक्त सभी से All of the above। अब आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बी नंबर क्या है, शोध की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और
सामान्य ज्ञान का जो अंतिम प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। ऑप्शन दिए हुए हैं, मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। दूसरा है, मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है, मेजरमेंट इज पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन। तीसरा है आपका, मापक एक चर को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, मेजरमेंट इज प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमेरल्स टू ए वेरिएबल। चौथा है, मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है, इवेल्युएशन इज ए प्रोसेस ऑफ वैल्यू जजमेंट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पहला, कि मापन और मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं होता। ये कथन पूरी तरह से गलत है, क्योंकि संबंध होते हैं। तो अब आपके 30 प्रश्न हमने आपको सॉल्व करा दिए। ये आपके UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के तहत भूगोल विषय से पूछे गए प्रथम पार्ट है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग भूगोल के जो 70 प्रश्न है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आगे के वीडियोज में जो 70 प्रश्न है उनको सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद है कि ये जो आपको 30 प्रश्न बचाए गए इनसे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि किस प्रकार के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपने देख लिया कि कई वैरायटी के क्वेश्चन पूछे गए, हिस्ट्री से, कंप्यूटर से, ज्योग्राफी से, उसके अलावा आपसे जो है पॉलिटी से प्रश्न पूछे गए, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद आपका फिल्म इंडस्ट्री से जो आपके हैं वो पूछे गए, उसके बाद आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे गए। तो इन इतने फील्डों से क्वेश्चंस पूछे गए। तो आप एक बार सिलेबस देख लीजिए और उसके बाद अपनी तैयारी करिए, क्योंकि आगामी जो भी आपकी परीक्षाएं होनी 5 चरणों में होनी है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, तो ये पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और एक अच्छा मौका रहता है डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों, अपने जूनियर सीनियर सबको आप शेयर करिए जिससे कि उनको भी इन वीडियोस का फायदा मिल सके और वीडियोस बनाने का मकसद पूरा हो सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे थे UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय का। इसके अंतर्गत हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया था। फर्स्ट पार्ट जो था वो सामान्य ज्ञान का था, जिसमें 30 प्रश्न पूछे गए थे। अब हम लोग दूसरे वीडियो के इस पार्ट में कुल 35 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि भूगोल विषय से होंगे। इसमें 31 नंबर प्रश्न से लेकर हम लोग आगे के 35 प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो जो आपसे भूगोल विषय से पूछे गए प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पशुपालन सर्वाधिक विकसित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एनिमल रियरिंग हैज डेवलप्ड वेल। ऑप्शन दिए हुए हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश, इक्वेटोरियल रीजन, प्रेरी एवं स्टेपी प्रदेश, प्रेरी एंड स्टेपीज। तीसरा है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ट्रॉपिकल रीजन। चौथा है, ध्रुवीय प्रदेश, पोलर रीजन। अब आप बताइए कि आपका उत्तर कौन सा सही होगा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है प्रेरी एवं स्टेपी प्रदेश, जो कि पशुपालन में सर्वाधिक विकसित है जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति थे। Who was the man to prepare the first world map to scale? ऑप्शन दिए हुए हैं, एनेक्जिमेंडर, होमर, अरस्तु और हिकेटियस। अब आप बताइए कि आपका उत्तर कौन सा सही होगा। तो आपका जो उत्तर सही है वो है आपका एनेक्जिमेंडर। अब आप बताइए कि एनेक्जिमेंडर ने एक नए यंत्र की खोज की थी, वो कौन सा यंत्र था। इसके अलावा होमर महोदय ने 4 हवाओं के बारे में बताया था, आपको मालूम होगा वो कौन कौन सी हवाएं थी और किस दिशा से प्रवाहित होती थी। इसके अलावा आप बताइए कि मेट्रोलॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखी। इसके अलावा हिकेटियस ने एक प्रसिद्ध किताब लिखी थी, वो कौन सी थी। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आपसे 35 नंबर पूछा गया है, द गाइड टू ज्योग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ए बुक दैट गाइड टू ज्योग्राफी वाज रिटन बाई। ऑप्शन दिए हुए हैं, हम्बोल्ट, टॉलमी, हेरोडोटस और रिटर। अब आप बताइए कि आपका उत्तर कौन सा सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका टॉलमी। ओके, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है,
कि हार्डसोन के अनुसार आधुनिक भूगोल के विषय क्षेत्र एवं विधि पर किसके अग्रणी कथन ने भविष्य के लिए भौगोलिक चिंतन की दिशा निर्धारित की? हूज पायनियर स्टेटमेंट ऑन द स्कोप एंड मेथड ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू हार्डसोन सेट द डायरेक्शन ऑफ ज्योग्राफिक थॉट्स फॉर द फ्यूचर? ऑप्शन दिए हुए हैं रिस्थोफन, हेटनर, गर्लैंड और गुयार्ट। तो आपका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? वो आपका है रिस्थोफन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 35 नंबर कि लेबेंसराम की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसराम वाज प्रेजेंटेड बाई। ऑप्शन दिए हुए हैं बिडाल्डी लाब्लास, स्ट्रेबो, रेडजेल और रिटर। तो आपका जो सही उत्तर है, अब बताइए कौन सा उत्तर आपका सही है? आपका उत्तर सही है रेडजेल। 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेडजेल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है? विच एमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ रेडजेल। ऑप्शन दिए हुए हैं सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट, फिजिकल ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपो ज्योग्राफी। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका एंथ्रोपो ज्योग्राफी। आपको मालूम होगा कि एंथ्रोपो ज्योग्राफी दो पार्ट में आई थी। पहले पार्ट में नियतिवादी विचारधारा जो रेडजेल की थी वो उस परिलक्षित होती थी, और जो दूसरा पार्ट था उसमें थोड़ा बहुत जो संभववादी उनकी विचारधारा थी वो परिलक्षित हुई। अब आप बताइए कि रेडजेल के जो दोनों पार्ट थे वो किस सन में प्रकाशित हुए? ओके, अब आप अगला प्रश्न आप देखिए। 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भूगोल में प्रसिद्ध निश्चयवादी कौन है? Who has been a famous determinist in geography? ऑप्शन दिए हुए हैं सैंपल, ब्रूंस, ब्लास और हम्बोल्ट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? एलन चर्चिल सैंपल। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 38 नंबर कि कल्याणकारी भूगोल की मूल अवधारणा निम्नलिखित किसी एक विश्लेषण पर बल देना है? द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ज्योग्राफी इज टू एम्फेसिस द एनालिसिस ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन दिए हुए हैं नगरीय औद्योगिक विकास, अर्बन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दूसरा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन डेवलपमेंट, सार्वजनिक एवं गैर सरकारी भागीदारी में विकास, तीसरा है आपका संतुलित प्रादेशिक विकास बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, और चौथा है आपका जीवन की गुणवत्ता के पहलू एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है तीसरा नंबर, संतुलित प्रादेशिक विकास। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कोई एक जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि प्रतिफल है? नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज ए फंक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन दिए हुए हैं जन्म दर, बर्थ रेट, मृत्यु दर, डेथ रेट, प्रवजन, माइग्रेशन, प्रजननता एवं मर्तता, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका प्रजननता और मृतता है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय जनसंख्या समूह का प्रमुख कारक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ यूरोपियन पॉपुलेशन क्लस्टर। ऑप्शन दिए हुए हैं प्राथमिक क्रिया, प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरा है उच्च वृद्धि दर हाई ग्रोथ रेट, तीसरा है नगरीकरण का उच्च स्तर हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, और चौथा है प्रवासी जनसंख्या माइग्रेटरी पॉपुलेशन। अब आप बताइए कि आपका उत्तर कौन सा सही होगा? तो सही उत्तर है नगरीकरण का उच्च स्तर। ओके, अगला जो प्रश्न पूछा गया 41 नंबर कि विश्व को किसने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया? हु डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन्स। ऑप्शन दिए हुए हैं वारेन थॉमसन, सीपी ब्लेकर, फ्रैंक नोटेस्टीन, एडवर्ड एकरमैन। अब आप बताइए कौन सा सही है? तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका एडवर्ड एकरमैन। ब्लेकर ने क्या किया था? ब्लेकर ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी में पांच चरणों में उसको डिवाइड किया था। नोटेस्टीन ने क्या किया था 1945 में? जनसंख्या संक्रमणीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी तरह से थॉमसन ने सबसे पहले 1929 में जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था। अब आप अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा
प्रदत्त कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ जो सूची दी हुई है उसमें सिद्धांत दिए हुए हैं तथा दूसरी सूची में उसके प्रतिपादक दिए हुए हैं। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। लिस्ट वन में थियरीज और लिस्ट टू में प्रोपाउंडर्स। तो आपसे पहला है कोट आकार नियम, द रैंक साइज रूल। अब रैंक साइज रूल आपके जो ऑप्शन दिए उनमें से कौन सही होगा, तो आपका जो सही होगा वो है आपका जीके जिफ। ओके, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद प्राथमिक नगर का सिद्धांत, द लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी, किसने दिया था, मार्क जेफरसन ने। उसके बाद केंद्र स्थल सिद्धांत, सेंट्रल प्लेस थियरी, किसने दिया, आपको मालूम होगा किसने दिया था, आप बताइए, वो डब्ल्यू क्रिस्टॉलर। इसके अलावा नगरीय भूमि उपयोग का सेक्टर सिद्धांत, मतलब द सेक्टर थियरी ऑफ अर्बन लैंड यूज, किसने दिया, वो दिया आपका, किसने दिया, हॉयट और डेवी ने। अब आपका जो सही उत्तर हो गया वो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आपका ये आपका उत्तर सही हो गया। 43 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में नाभिकीय अधिवास बहुधा पाए जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर कॉमनली फाउंड। ऑप्शन दिए हुए हैं पर्वतीय प्रदेश, माउंटेनियस रीजन्स, दूसरा है अधिक आर्द्र प्रदेश वेरी ह्यूमिड रीजन्स, तीसरा है शुष्क प्रदेश एरिड रीजन्स और चौथा है डेल्टा प्रदेश डेल्टाइक रीजन्स। अब आप बताइए कि जो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है कहाँ पाए जाएंगे, आप दिमाग लगाइए आप। तो आपका जो सबसे सही है वो आपका है शुष्क प्रदेशों में या एरिड रीजन्स में। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 44 नंबर, कि नगर की आकारिकी पर प्रभाव डालने वाला सबसे प्रमुख कारक है, द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ टाउन इज। ऑप्शन दिए हुए हैं जलवायु, क्लाइमेट, बसाव स्थल, साइट, मिट्टी की विशेषता, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स और जलापूर्ति वाटर सप्लाई। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका बसाव स्थल। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर, कि बर्गेस के संकेंद्रित खंड सिद्धांत में सबसे अच्छे आवासीय क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं। इन कॉन्सेंट्रिक जोन थियरी ऑफ बर्गेस, जोन ऑफ बेटर रेजिडेंसेस लाइज इन। ऑप्शन दिए हुए हैं जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जोन 4। ओके, खंड 4 में। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर, की अधिवासों के मध्य अलगाव बिंदु के सीमांकन हेतु फुटकर व्यापार सिद्धांत नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन दिए हुए हैं बीजेएल बेरी, पीडी कन्वर्स, आरजे रैली व सीडी हैरिस। द लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन फॉर डिमार्केशन ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट बिटवीन द सेटलमेंट्स हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है, वो आपका आरजे रैली का है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपका 47 नंबर, की कृषि उत्पादकता के मापन का सूत्र किसने दिया था। Who has given the formula to calculate agricultural productivity? ऑप्शन दिए हुए हैं सी डी हैरिस, वान थ्यूनन, एम सफी, ए वेवर। तो आपका जो सही उत्तर है वो है एम सफी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 48 नंबर। अब आप देख लीजिए कि जो सेटलमेंट ज्योग्राफी उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए इस पार्ट में। नीचे बर्गेस के मॉडल के अनुसार नगरीय संरचना के 4 संकेंद्रीय पीटियां दी गई हैं। इन्हें केंद्र से बाहर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अपने उत्तर का नीचे दिए गए कूटों की सहायता से चयन कीजिए। तो पेटियां कौन कौन सी है वो दिए हुए हैं। तो गिवन बिलो आर द 4 कॉन्सेंट्रिक जोन्स ऑफ सिटी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू बर्गेस मॉडल। अरेंज देम फ्रॉम द सेंटर टू आउटवर्ड। सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। अब जो पेटियां दी हुई हैं वो देख लेते हैं। पहला है स्वतंत्र कर्मियों का निवास क्षेत्र, जोन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्कर्स होम। दूसरा है आपका नगर को अभिगमन करने वालों की पेटी, कम्यूटर्स जोन। तीसरा है आपका केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। चौथा है आपका श्रेष्ठ आवासीय क्षेत्र, जोन ऑफ बेटर रेजिडेंस। अब आप बताइए कि इसमें से आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही होगा। तो आप याद रखिए कि केंद्र से सबसे पहले क्या आएगा, CBD आएगा, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र।
उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आपका आएगा स्वतंत्र कर्मियों का निवास, ओके, दो नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आएगा श्रेष्ठ आवासीय क्षेत्र, और उसके बाद जो चौथा आपका होगा, चौथे पार्ट में आएगा, केंद्र से चौथी पेटी होगी, उसमें आपके आएंगे नगर को अभिगमन करने वालों की पेटी, ओके। तो आप इस तरह से ये सीक्वेंस आप लगा देंगे। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 49 नंबर, कि सस्य संयोजन प्रदेशों के निर्धारण की वीवर की तकनीक का बाद में किस विद्वान ने सुधार किया गया, जिसने विचलन ज्ञात करने हेतु सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन के स्थान पर सिग्मा डी स्क्वायर का सुझाव दिया। ऑप्शन दिए हुए हैं बीजेएल बक, के डोई, एस एम रफीउल्ला, एल डी स्टैम्प। वीवर्स टेक्निक फॉर डिमार्केशन डिमार्केटिंग क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स वार सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु सजेस्टेड सिग्मा डी स्क्वायर इंस्टेड इफ सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन टू गेट डेविएटेड डिवीजन। तो आप बताइए कि कौन सा सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका के डोई, मतलब बी नंबर ऑप्शन, ओके। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 50 नंबर प्रश्न जो आपसे पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र उद्योग है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फुटलूज इंडस्ट्री। ऑप्शन दिए हुए हैं लौह एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दूसरा है ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तीसरा है सीमेंट उद्योग, चौथा है सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा फुटलूज इंडस्ट्री है, वो है आपका ऑटोमोबाइल उद्योग। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 51 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश चीन का राइस बाउल कहलाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ चाइना। ऑप्शन दिए हुए हैं वांगो घाटी, सिक्यांग, चुनकिंग, यांगती जी बेसिन या चांग जियांग। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, यांगती जी बेसिन। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। ऑप्शन दिए हुए हैं नगद फसलों एवं खाद्य फसलों की खेती, कल्टीवेशन ऑफ बोथ कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स, दूसरा है एक ही खेत में दो या अधिक फसलों की खेती, कल्टीवेशन ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन ए सेम फील्ड, तीसरा है पशुपालन तथा फसलों की खेती दोनों, रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशंस ऑफ क्रॉप्स टुगेदर, और चौथा है आपका खाद्य फसलों एवं उद्यान कृषि, कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका सी नंबर है, पशुपालन तथा फसलों की खेती दोनों को मिश्रित खेती कहते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 53 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में व्यापारिक मत्स्य उद्योग अधिक विकसित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कॉमर्शियल फिशिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन दिए हुए हैं शीतोष्ण झीलें, टेम्परेट लेक्स, दूसरा है शीतोष्ण सागर टेम्परेट सीज, तीसरा है उष्णकटिबंधीय सागर ट्रॉपिकल सीज, और चौथा है निम्न अक्षांशीय सीमांत सागर लो लैटिट्यूड मार्जिनल सीज। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है शीतोष्ण सागर या टेम्परेट सीज। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 54 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा अरब देश इस्लामिक पेटी में नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन अरब कंट्री इन इस्लामिक रिल्म। आपका जो सही उत्तर है, आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं टर्की, इराक, कुवैत, सऊदी अरब। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, वो है आपका टर्की। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से सीमा के निर्धारण का आधार है या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर बेसिस ऑफ द डेलिनेशन ऑफ बाउंड्री। ऑप्शन दिए हुए हैं प्राकृतिक आधार नेचुरल बेस, दूसरा है ज्यामितीय आधार ज्योमेट्रिक बेस, तीसरा है सांस्कृतिक आधार कल्चरल बेस, और चौथा है उपयुक्त सभी। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो आपका चारों ऑप्शन सही होंगे, मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं, तो चौथा आपका ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न जो 56 नंबर पूछा गया है, कि किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया। हु हैज प्रपाउंडेड द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। ऑप्शंस दिए हुए हैं हम्बोल्ट, रिस्टोफेन,
रेड जेल और रिटर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है रेड जेल। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी अन्य राज्यों से सर्वाधिक उभयनिष्ठ सीमा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन बॉर्डर्स विद अदर इंडियन स्टेट्स। ऑप्शन दिए हैं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उत्तर प्रदेश। अब आप बताइए कितने राज्यों से सीमाएं लगती हैं उत्तर प्रदेश की। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 58 नंबर, कि सामरिक अवस्थित रखने वाला जिब्राल्टर जलडमरू बंदी किसको मिलाता है। द स्ट्रेटजिक लोकेशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स। ऑप्शन दिए हुए हैं काला सागर तथा भूमध्य सागर, ब्लैक सी एंड द मेडिटेरियन, दूसरा है अंध महासागर तथा भूमध्य सागर, द अटलांटिक एंड द मेडिटेरियन, तीसरा है पोर्ट सैद एवं स्वेज, चौथा है जापान सागर एवं पीत सागर, सी ऑफ जापान एंड द येलो सी। तो आपका जो जिब्राल्टर जलडमरू बंदी है वो आप जोड़ता है अंध महासागर को भूमध्य सागर से, अटलांटिक को मेडिटेरियन सी से। 59 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महासागरीय शक्ति पर आधारित भू राजनीतिक संकल्पना किसने प्रतिपादित की। हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स बेस्ड ऑन ओशियन पावर। ऑप्शन दिए हुए हैं कार्ल हाउसोफर, अल्फ्रेड थेयर महान मतलब एटी महान, तीसरा है कार्ल रिटर, चौथा है हैफोर्ड मैकेंडर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बी नंबर, अल्फ्रेड थेयर महान। 60 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्लेज क्या है, व्हाट इज स्लेज। ऑप्शन दिए हुए हैं एस्किमो की बिना पहिए वाली गाड़ी, व्हीललेस डॉग कार्ट ऑफ एस्किमोस, दूसरा है टुंड्रा प्रदेश में प्रयोग की जाने वाली एक लकड़ी की बनी नाव, ए बोट मेड ऑफ सिंगल लॉग यूज्ड इन टुंड्रा रीजंस, तीसरा है एस्किमो की मछली शिकार का औजार, ए वीपन यूज्ड फॉर फिशिंग बाय एस्किमोज, और चौथा है रूसी टुंड्रा का एक पशु, ए एनिमल ऑफ रशियन टुंड्रा। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका पहला नंबर, एस्किमो की बिना पहिए वाली गाड़ी को स्लेज कहते हैं, और जो नाव यूज करते हैं एस्किमोज उन्हें कयाक कहते हैं, और एस्किमोज द्वारा जो मछली के शिकार के लिए जो औजार यूज करते हैं उसे हार्पून कहते हैं। ओके, अगला जो प्रश्न है आपसे वो हम लोग देख लेते हैं, क्या पूछा गया है 61 नंबर, कि प्रादेशिक नियोजन की चार्डविक विधि 1971 कितनी अवस्थाओं में विभक्त की गई थी। चार्डविक्स मेथड 1971 फॉर रीजनल प्लानिंग वाज डिवाइडेड इनटू। ऑप्शन दिए हुए हैं दो अवस्थाओं में, तीन अवस्थाओं में, चार अवस्थाओं में, पांच अवस्थाओं में। तो आपका जो सही उत्तर है आप बताइए कौन सा सही होगा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है चार अवस्थाओं में, फोर स्टेजेस में। 62 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रादेशिक विकास का सामाजिक सूचक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल इंडिकेटर ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इन ए रीजन, दूसरा है प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन रीजन, तीसरा है प्रति हजार व्यक्तियों पर मेडिकल कर्मियों की संख्या, नंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स पर 1000 पॉपुलेशन, और चौथा है जनसंख्या में तृतीय कार्यकर्ताओं की संख्या, नंबर ऑफ टर्शियरी वर्कर्स इन द पॉपुलेशन। अब आप बताइए कि किसी भी रीजनल डेवलपमेंट का सोशल इंडिकेटर कौन सा नहीं है, आप बताइए, सोचिए आप। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका होगा सी नंबर, प्रति हजार व्यक्तियों पर मेडिकल कर्मियों की संख्या। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। हाँ, अब आप इसको बहुत ध्यान से सोचिएगा और उत्तर दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका 63 नंबर, कि प्राकृतिक प्रदेशों के सीमांकन में निम्नलिखित में से किसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड इन डिलिमिटेशन ऑफ नेचुरल रीजन्स। ऑप्शन दिए हुए हैं उच्चावच, रिलीफ, जलवायु, क्लाइमेट, भाषा, लैंग्वेज, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है भाषा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 64 नंबर, कि प्रतिचुंबक या काउंटर मैग्नेट की अवधारणा संबंधित है। द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर मैग्नेट इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन दिए हुए हैं पश्चिमी घाट योजना से, वेस्टर्न घाट्स प्लान, दूसरा है दक्षिणी पूर्वी संसाधन प्रदेश से, साउथ ईस्ट रिसोर्स रीजन,
तीसरा है रायलसीमा योजना से, रायलसीमा प्लान, और चौथा है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश योजना से, नेशनल कैपिटल रीजन प्लान। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका डी है, नेशनल कैपिटल रीजन प्लान से। 65 नंबर प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, इसके आगे के जो शेष 35 प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिससे वीडियो बड़ा ना होने पाए, आप लोग उबे ना, इसलिए हम लोग जल्दबाजी से अपना धीरे धीरे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो 65 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है और इस वीडियो का 35वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत में विकास खंड स्तर पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ हुआ। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP ऑन डेवलपमेंट ब्लॉक लेवल वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर, ऑप्शन दिए हुए 1978-79, 1980-81, 1961-62, 1961-68-69। तो आप बताइए कि IRDP कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो IRDP कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो आपका शुरू हुआ था 1978-1979 में। ओके, तो उम्मीद है कि जो आपको 35 प्रश्न बताए गए काफी बहुमूल्य हैं, आपके लिए काम आएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपको मिलता रहे। और जो क्वेश्चन पूछे गए उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करिए और अपने दोस्तों तक चैनल का लिंक जरूर शेयर करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने बात की थी 31 नंबर प्रश्न से लेकर 65 नंबर प्रश्न तक, जो हम लोग प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे थे। यह प्रश्न पत्र था आपका UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय का, जिसकी परीक्षा आपकी 12 जनवरी 2019 को संपन्न हुई थी। तो इसमें इस वीडियो में हम लोग जो शेष 35 प्रश्न बचे हुए हैं 66 नंबर प्रश्न से लेकर 100 नंबर प्रश्न तक सॉल्व करेंगे। 66 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि माउंट आबू निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसी एक में स्थित है। माउंट आबू इज सिचुएटेड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। अब आपसे पूछा गया है जो विकल्प दिए गए हैं कि कैमूर श्रृंखला, माउंट मैकाल, गुरु शिखर, दोद्दा बेटा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, वो आपका है गुरु शिखर। अब आपको बताते चले कि जो गुरु शिखर है इसकी जो औसत ऊंचाई है समुद्र से वो 1722 मीटर है। इसी तरह से आप मुझे बताइए कि दोद्दा बेटा किस पर्वत श्रृंखला का या किस पहाड़ी का सबसे ऊंचा शीर्ष है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ऑप्शन दिए हुए हैं मणिपुर, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़। तो आपको बताते चले कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जो 8 राज्य हैं वो क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर अगर चलें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो आप इनमें से देख लीजिए कि कौन सा आपका सही है। तो आपका जो सही है वो आपका है त्रिपुरा, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न 68 नंबर आपसे पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्शन दिए हुए हैं तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड। अब आप बताइए कौन सा आपका उत्तर सही होगा। तो जो सही उत्तर है वो आपका है उत्तर प्रदेश। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन क्षेत्रफल 2,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज ए बेसिन एरिया ऑफ मोर देन 2,00,000 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन दिए हुए हैं महानदी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी। अब आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कृष्णा नदी। अब आप मुझे बताइए, इसके पहले वाले प्रश्न से ही पूछ लेता हूं कि भारत में जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सर्वाधिक है। जिस भी राज्य का सर्वाधिक है तो कुल जनसंख्या घनत्व कितना है। दूसरा प्रश्न जो है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका।
तीसरा प्रश्न आप बताइएगा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य ने प्राप्त की 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके अलावा आप मुझे बताइएगा कि भारत का लिंगानुपात कितना है, साक्षरता कितनी है। इस तरह से आप 7-8 प्रश्न जो सेंसस 2011 है उसके अनुसार आप तुरंत तैयार कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का विशालतम कोयला क्षेत्र है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया। ऑप्शन दिए हुए हैं गिरडीह, झरिया, बोकारो और रानीगंज। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है झरिया। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 71 नंबर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा ज्वारीय पत्तन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ए टाइडल पोर्ट। ऑप्शन दिए हुए हैं हांगकांग सिंगापुर, लंदन कोलकाता, लंदन सिंगापुर, कोलकाता हांगकांग। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका कोलकाता और हांगकांग। ओके, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 72 नंबर की सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड बाई यूजिंग कोड्स गिवन बिलो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। एक तरफ जो सूची एक है उसमें बांध और नदी परियोजनाएं दी हुई हैं, मतलब डैम्स और रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, और दूसरी तरफ किस नदी से संबद्ध ये नदी परियोजनाएं या बांध हैं वो दिए हुए हैं, उन नदियों के नाम दिए हुए हैं। तो आप एक तरफ देख लीजिए कि गोविंद वल्लभ सागर, तो गोविंद वल्लभ सागर जो है वो किस पे है, आप सोचिए किस पे सा है। तो आपकी जो है वो है आपका रिहंद नदी पे। ओके, दूसरा है आपका तुलबुल परियोजना, तो तुलबुल किस पे है आप सोचिएगा। तो तुलबुल आपकी किस पे है आप सोच के तुरंत बताइए, वो है आपकी झेलम पे। उसके बाद पंचम पाद ये किस पे है, तो पंचम पाद आपकी है गोदावरी पे। और नागार्जुन सागर वो आपकी है कृष्णा पे। तो आप आसानी से इसको लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रवाह मानचित्रों या फ्लो मैप्स का प्रयोग किसके प्रदर्शन हेतु होता है। फ्लो मैप्स आर जनरली यूज्ड फॉर शोइंग। ऑप्शन दिए हुए हैं जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ, दूसरा है ट्रैफिक प्रवाह या फ्लो ट्रैफिक फ्लोज, तीसरा है ढाल दिशा स्लोप डायरेक्शंस, चौथा है उच्चावच आंकड़े रिलीफ डेटा। तो आप बताइए कि कौन सा आपका उत्तर सही होगा। तो आपका उत्तर सही है ट्रैफिक प्रवाह। 74 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन समक्षेत्र प्रक्षेप है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल एरिया प्रोजेक्शंस। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन कौन से आपके वो दिए हुए हैं विकल्प, मालवीट, बोन्स, गाल्स और मर्केटर। तो आप बताइए कि कौन से इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है दो पेयर्स, एक दो सही है, एक तीन सही है, दो चार सही है या दो तीन सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका एक और दो, मतलब मालवीट और बोन्स। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा प्रदत्त कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ सूची में उपकरण दिए हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं तथा दूसरी तरफ उनके क्या उपयोग हैं वो दिए हुए हैं। तो थियोडोलाइट से आप क्या नापते हैं वो आपको सोचना है। तो थियोडोलाइट से आप क्या नापते हैं बताइए, उससे नापते हैं लंबवत व क्षैतिज कोण मापते हैं, मतलब मेजर्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल्स। दूसरा है आपका क्लाइनोमीटर, तो आप क्लाइनोमीटर से क्या करते हैं, क्लाइनोमीटर से आप लंबवत कोण मापते हैं, मतलब मेजर्स वर्टिकल एंगल। उसके बाद आपका जो है तीसरा है क्या है आप उसको सोचिएगा, तीसरा है एनीमोमीटर। तो आप बताइए दो बचे हुए उनमें से आपका कौन सा सही होगा। आप लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं, वो है पवन की गति को मापता है, मतलब मेजर्स वेलोसिटी ऑफ विंड। अब उसके बाद आप सोचिएगा कि अगला जो है आपका क्या है, अगला है आपका हिप्सोमीटर। तो हिप्सोमीटर आप किसका है, तो हिप्सोमीटर आपका नापता है किसी भी स्थान की निरपेक्ष ऊंचाई। ठीक है, तो आप आसानी से इसको मिला दीजिएगा। तो आपका जो सही उत्तर हो गया कौन सा हो गया, पहले का आपका दूसरा क्लाइनोमीटर, दूसरे का आपका कौन सा हो गया, दूसरे का पहला हमने आपको बताया, तीसरे का आपका कौन सा हो गया, तीसरे का आपका तीसरा, और चौथे का आपका क्या हो गया, चौथा। ओके।
तो आप इस तरह से आसानी से लगा दीजिएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 33 किलोमीटर समुद्र तटीय रेखा को स्थलाकृतिक मानचित्र में 13.20 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया गया। मानचित्र की उपलक्षक भिन्न निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 33 किलोमीटर ऑफ कोस्टल लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय 13.20 सेंटीमीटर ऑन ए टोपोग्राफिकल मैप। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द मैप, मतलब आरएफ आपसे पूछा गया है। तो आरएफ का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द मैप अपॉन डिस्टेंस बिटवीन सेम टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आरएफ में आप 13.20 ऊपर रख देंगे और उसके बाद 33 नीचे रख देंगे। तो ये आपकी सेंटीमीटर में वैल्यू दी हुई है, ये आपकी किलोमीटर में दी हुई है। तो जो आपकी किलोमीटर में वैल्यू दी हुई है इसको आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस पे 5 जीरो आप पीछे बढ़ा देंगे। तो आपका जो सही उत्तर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा 1:25 लाख। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जन आवृत्तियों की एक श्रृंखला श्रेणी के वितरण की प्रकृति सममितीय है, तब निम्नांकित में से कौन सा उत्तर सही है? When the distribution of a series of frequencies is symmetrical in nature, then which one of the following answer is correct? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि माध्यिका बराबर 3 बहुलक - 2 माध्य, मतलब मीडियन इक्वल टू 3 mode - 2 mean। दूसरा है माध्य बराबर 3 माध्यिका - 2 बहुलक, मीन इक्वल टू 3 median - 2 mode। तीसरा है बहुलक बराबर माध्य प्लस माध्यिका, मोड इक्वल टू मीन प्लस मीडियन। और चौथा ऑप्शन है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका - 2 माध्य, मोड इक्वल टू 3 median - 2 mean। अब आप बताइए कि चारों में से कौन सा आपका विकल्प सही है। तो आपका जो चौथा विकल्प है वो आपका सही है, मतलब माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में जो संबंध है अगर सामान्य प्रकृति का है या सममिति है, सिमेट्रिकल अगर नेचर है डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें ये आपका होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंबंध गुणांक मूल्य कोटि के साथ सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ कोरिलेशन कोफिशियंट आर इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ऑप्शन दिए हुए हैं आर इक्वल टू प्लस 0.99 अति उच्च, आर इक्वल टू प्लस 1 परिपूर्ण, आर इक्वल टू प्लस 0.5 मध्यम, आर इक्वल टू माइनस 0.99 अति निम्न। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है डी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज लोकेटेड एट। ऑप्शन दिए हुए हैं बेंगलोर, देहरादून, हैदराबाद, कोचीन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है देहरादून। अब आप बताइए कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ पर स्थित है, जिसे बोलते हैं NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 80 नंबर, LIS-4 संवेदक का स्थानिक रेजोल्यूशन कितना है? स्पेशियल रेजोल्यूशन ऑफ LIS-4 सेंसर इज, आपसे पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं 5.8 मीटर, 2.0 मीटर, 23.5 मीटर एंड 10.0 मीटर। तो आपका जो सही है आंसर वो है आपका 5.8 मीटर। इसी तरह से LIS-3 का जो वैल्यू होता है, जो स्पेशियल रेजोल्यूशन है, वो 23.5 होता है। LIS-2 का 36.5 होता है और LIS-1 का आपका 72। ओके, इसी तरह से AVIPS का जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो 56 मीटर है। लैंडसेट डेटा जो अभी आ रहा है उसका जो ऑन एवरेज है वो आपका 30 मीटर है। इसी तरह से डिफरेंट सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स के वेरियस सेंसर्स के अलग अलग रेजोल्यूशंस हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत का आधार नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थियरी। ऑप्शन दिए हुए हैं
भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, दूसरा है सागर नितल प्रसरण सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तीसरा है पूरा चुंबकत्व पैलियो मैग्नेटिज्म, चौथा है महाद्वीपीय विस्थापन कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट। तो आप बताइए कि प्लेट विवर्तनी का कौन सा आधार नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका पहला, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन। 82 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा प्रदत्त कूटों की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ऑप्शन दी मतलब सूची एक में जो दिया हुआ है वो अपरदन के कारक दिए हुए हैं मतलब एजेंट्स ऑफ इरोजन, और सूची दो में उनके द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियां टोपोग्राफिक लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं। तो पवन एक तरफ दिया तो पवन से सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से क्या बनेगा? तो पवन से क्या बनेगा, आप सोचिए क्या बनेगा, तो आप सोच के मुझे बताइए। तो पवन से सबसे पहले आपका बनेगा रिपल्स मतलब उर्मिकाएं, दूसरा है आपका हिमानी, तो हिमानी से क्या बनेगा यहाँ पे आप देख लीजिए, तो आपका क्या बनेगा टिल प्लेन बनेगा मतलब कि अपोड़, और दूसरा तीसरा फिर है भूमिगत जल, तो भूमिगत जल से क्या बन सकता है, भूमिगत जल से आपका बनेगा हम्स या जिसे बोलते हैं चूनकूट, और प्रवाहित जल से आपका क्या बनेगा मतलब कि अगर कोई रनिंग वाटर है तो जल गर्तिकाएं या पॉट होल्स बनेंगे। तो आपका जो सही उत्तर हो गया 4312, ओके 4312 सही हो गया। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 83 नंबर कि संरचनात्मक बेंच का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। स्ट्रक्चरल बेंच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ, ऑप्शन दिए हुए हैं नदी घाटी में विभिन्नात्मक अपरदन, डिफरेंशियल इरोजन इन स्ट्रीम वैली, दूसरा है आपका नदी घाटी में समान अपरदन यूनिफॉर्म इरोजन इन स्ट्रीम वैली, तीसरा है शुष्क प्रदेशों में वायु द्वारा विभिन्नात्मक अपरदन डिफरेंशियल इरोजन बाय विंड इन डेजर्ट, और उसके बाद आपका चौथा है समान हिमानी निक्षेप यूनिफॉर्म ग्लेशियल डिपोजिट। अब आप बताइए कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका पहला नंबर होगा कि नदी घाटी में विभिन्नात्मक अपरदन की वजह से संरचनात्मक ब्रंचों का निर्माण हो सकता है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 84 नंबर कि हिमालय की मुख्य सीमांत भ्रंश के मध्य स्थित है द मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF ऑफ द हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन, ऑप्शन दिए हुए हैं शिवालिक लघु हिमालय, दूसरा है महान हिमालय ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय महान हिमालय, शिवालिक एवं पर्वतपदीय कटिबंध या पीडमंट कटिबंध। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा विशालतम मरुस्थल है, विच वन इज द लार्जेस्ट एमंग द फॉलोइंग डेजर्ट्स, ऑप्शन दिए हुए हैं कालाहारी ऑस्ट्रेलियाई गोबी अटाकामा, तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ऑस्ट्रेलियाई। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक ऋतु क्षरण के प्रकार तथा दर को प्रभावित करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट द टाइप्स एंड रेट ऑफ वेदरिंग, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं हिमानी जलवायु वानस्पतिक आवरण चट्टानों की संरचना और उच्चावच मतलब ग्लेशियर क्लाइमेट वेजिटेशन कवरेज स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स एंड रिलीफ। आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, आपके जो कूट दिए हुए हैं कोट्स दिए हैं वो है 1 2 3 4 सही है मतलब दूसरा है आपका 2 3 4 5 सही है, 1 2 3 5 सही है, 1 2 4 5 सही है। तो आपका जो सही है वो आपका है 2 3 4 5 मतलब पहला आपका सही नहीं है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी क्रियाकलापों के कारण पेडेस्टल सेलों का निर्माण होता है, पेडेस्टल रॉक्स आर द रिजल्ट ऑफ वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन दिए हुए हैं नदी रिवर भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर समुद्री अपरदन सी इरोजन और हवा विंड, ओके। तो आपका जो सही उत्तर है आप बताइए कौन सा है, तो आपका पेडेस्टल जो रॉक्स बनती है वो विंड के द्वारा बनती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तापमान का सामान्य अवनत दर कहाँ पाया जाता है, द नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कॉन्टिन्यूज अप टू, ऑप्शन दिया हुआ है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोपॉज
स्टेटोपॉज और मेसोपॉज। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, वो है आपका ट्रोपोपॉज तक। अब ट्रोपोपॉज की ऊंचाई कितनी होती है आपको बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर एवं समताप मंडल स्टेटोस्फेयर का नामकरण किसने किया। ऑप्शन दिए मतलब पूछा गया है कि हु क्वाइंड द टर्म ट्रोपोस्फेयर एंड स्टेटोस्फेयर। ऑप्शन दिए हुए रदरफोर्ड, जोसेफ प्रिस्टली और ट्रिजरेंस डी बोट, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ट्रिजरेंस डी बोट। अगला प्रश्न है कि कोरियालिस बल प्रभाव किस कारण से उत्पन्न होता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ अकरेंस ऑफ कोरियालिस फोर्स। ऑप्शन दिए हुए हैं पृथ्वी की दैनिक गति, डेली स्पीड ऑफ अर्थ, दूसरा है पृथ्वी की वार्षिक गति, ईयरली स्पीड ऑफ अर्थ, तीसरा है पृथ्वी की दैनिक एवं वार्षिक गति, डेली एंड ईयरली स्पीड ऑफ अर्थ, चौथा है प्रेशर ग्रेडियंट या वायु भार में ढलान। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पहला नंबर, पृथ्वी की दैनिक गति। अगला जो आपसे पूछा गया है प्रश्न उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के अनुसार वर्ग बी प्रदर्शित करता है। अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन क्लास बी रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग कंडीशन। ऑप्शंस दिए हुए हैं वाष्पोत्सर्जन पूरे वर्ष में अवक्षेपण से कम होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन इज लेस देन प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन पूरे वर्ष में अवक्षेपण से अधिक होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन इज मोर देन प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन पूरे वर्ष में अवक्षेपण के बराबर होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, और चौथा है अतिरिक्त जल स्थितियां होती हैं सरप्लस वाटर कंडीशन। तो आप बताइए कि कौन सा आपका सही उत्तर होगा। तो आपका सही उत्तर है बी नंबर, वाष्पोत्सर्जन पूरे वर्ष में अवक्षेपण से अधिक होता है। अब आप बताइए कि बी किस वर्ग में होगी, तो ज्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्रों में होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जीटी त्रिवार्था के अनुसार 100% सौर विकिरण में से कितना प्रतिशत वायुमंडल के विभिन्न गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द जीटी त्रिवार्था आउट ऑफ 100% ऑफ द सोलर रेडिएशन हाउ मेनी परसेंटेज इज अब्सॉर्ब्ड बाय डिफरेंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन दिए हुए 10%, 20%, 30%, 40%। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 20%। 93 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में हल्की वर्षा किस कारण से होती है। द लाइट विंटर रेनफॉल इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज कॉज्ड बाई। ऑप्शंस दिए हुए हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, तीसरा है लौटते हुए मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, चौथा है अरब सागर मानसून, अरेबियन सी मानसून। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथन या कथनों में से भूमंडलीय ऊष्मीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर ग्लोबल टेम्परेचर। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं कि भूमंडलीय तापीकरण औसत वार्षिक तापमान में वृद्धि को दर्शाता है, ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू एन इंक्रीज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, दूसरा है भूमंडलीय ऊष्मीकरण का मुख्य कारण पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड का संग्रहण है, मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज टू बिल्ट अप सल्फर डाइऑक्साइड इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अब आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रदर्शितों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। ऑप्शन दिए हैं केवल एक, केवल दो, केवल एक दो, दोनों या उनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है आप बताइए कौन सा होगा, केवल एक आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रवाल भित्तियों के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोपाउंडर ऑफ ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ऑफ कोरल रीफ्स। ऑप्शन दिए हुए हैं रेगिनाल्ड ए डेली, चार्ल्स डार्विन, जॉन मुरे, विलियम एम डेविस। तो आपका जो सही उत्तर है, कौन सा उत्तर सही है आपका, तो वो आपका सही है डेली। ओके, पहला नंबर डेली ने किया था। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित ऊर्जों में से चूना प्रधान कौन से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऊर्जेस आर कैल्केरियस नेचर। ऑप्शन दिए हुए टोरोपाड,
रेडियोलेरियन डायटम और ग्लोबिजेरेना। तो आपके ऑप्शन पूछे गए हैं कि एक दो तीन सही है, दो तीन सही है, चारों सही है या एक चार सही है। तो आप बताइए कि चूना प्रधान कौन से हैं। तो चूना प्रधान जो आपके हैं वो कौन से हैं, एक और चार आपके सही हैं, मतलब टोरोपाड और क्लोबिजेरेना, ये आपका सही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सागर में 37% से 41% के मध्य लवणता की मात्रा पाई जाती है। द अमाउंट ऑफ सैलिनिटी रेंजिंग फ्रॉम 37 पर 1000 टू 41 पर 1000 इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीज। ऑप्शंस आर लाल सागर, रेड सी, फारस की खाड़ी, पर्सियन गल्फ, उत्तरी सागर, नॉर्थ सी, बोथिनिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोथिनिया। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है लाल सागर। 98 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्रगतिशील तरंग सिद्धांत संबंधित है, प्रोग्रेसिव वेव थियरी इज रिलेटेड टू। ऑप्शन दिए हुए हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से, ऑरिजिन ऑफ द कोरल रीफ्स, ज्वारभाटा की उत्पत्ति से, ऑरिजिन ऑफ द टाइड्स, चौथा है भूकंपीय लहरों की उत्पत्ति से, ऑरिजिन ऑफ द सिस्मिक वेव्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा आपका सही है, वो आपका है ज्वारभाटा की उत्पत्ति से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है कि निम्नलिखित में से कौन पेटी अश्व अक्षांश कहलाती है। विच एमंग द फॉलोइंग बेल्ट इज कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड। ऑप्शन दिए हुए हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, दूसरा है उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तीसरा है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बी नंबर, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्न पत्र का भी अंतिम प्रश्न है। पूछा गया है कि पारिस्थितिकीय अनुक्रमण सामान्यतया जन्म देता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन नॉर्मली लीड्स टू। ऑप्शन दिए हुए हैं हैबिटाट, बायोम, क्लाइमेटिक फ्रंटियर और क्लाइमेक्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है क्लाइमेक्स। तो उम्मीद है कि ये जो 35 प्रश्न आपको और बताए गए ये भी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो कुल मिलाकर हमने कुल 100 प्रश्नों को सॉल्व किया इस पेपर में, जिसमें से 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान के थे व 70 प्रश्न जो है पार्ट टू के अंतर्गत वो विषय विशेष के थे। जो विषय हमने सेलेक्ट किया वो आपका भूगोल है। तो आपने देखा कि किस प्रकार के प्रश्न UPSC के जो सिलेबस है उसके अनुसार पूछे गए हैं। तो इस बार भी इसकी परीक्षा अक्टूबर से 9 दिसंबर के बीच में निर्धारित है। इसके पहले हमने 2014 का भी पेपर अपलोड किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और उम्मीद है कि हम आपको जितने भी पेपर्स हमारी कैपेसिटी में है मैं आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वीडियोस को बनाने का मकसद पूरा हो सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने की श्रृंखला में एक नया प्रश्न पत्र लेते हैं। वो प्रश्न पत्र है उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के तहत भूगोल 2014 की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती थी उसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्न पत्र के बारे में। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 70 प्रश्न पूछे गए थे जो कि विषय से आधारित थे, तथा 30 प्रश्न जो है आपके GS के होते हैं। तो जो 70 प्रश्न पूछे गए हैं भूगोल के, उनको हम 35-35 करके दो वीडियो में उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले वीडियो के अंतर्गत एक नंबर प्रश्न से लेके 35 नंबर प्रश्नों तक व्याख्यात्मक रूप से सॉल्व करेंगे। दूसरे वीडियो में 36 नंबर प्रश्न से 70 नंबर प्रश्न तक उनको सॉल्व करेंगे। जो पहला प्रश्न पूछा गया है आइए देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टानों के बारे में कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका कूट क्या दिया हुआ, कथन क्या दिए हुए उनको पहले देख लेते हैं। कथन है कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने, जमने एवं रवा बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। तो ये आपका कथन सही है, ठीक है। तो ये आपका कथन सही है, आप खुद सोचिएगा। अगला जो दिया हुआ उसको देख लेते हैं कि आग्नेय चट्टानों में अवसादी चट्टानों की तरह परतें नहीं होती हैं, परंतु पेड़ पौधों एवं जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये पूरी तरह से गलत है। पहला जो स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है वो सही है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है कि पेड़ पौधे एवं जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं, ये पूर्णतः गलत है। ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ना कि आग्नेय चट्टानों में। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा है कि सभी आग्नेय चट्टानें प्रारंभिक भूगर्भिक
इतिहास में निर्मित हुई तथा वर्तमान में आग्नेय चट्टानों की निर्माण प्रक्रिया बंद हो गई। अब ये देखिए कि यहाँ पे भी इस स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है वो सही है, ठीक है, लेकिन जो वर्तमान में कह रहे हैं कि वर्तमान में आग्नेय चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया बंद हो गई, ये पूर्णतः गलत है। तो जो तीन आपके कथन दिए हैं उनमें केवल आपका जो पहला कथन है वही केवल सही है, उसके अलावा दोनों कथन गलत हैं, ठीक है। अब आपको बताते चले कि जो वर्तमान में जो आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण हो रहा है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, जो भी अभ्यांतरिक स्थल रूप बन रहे हैं या बहिर्जात जो बल के द्वारा जो स्थल रूप बन रहे हैं, वो सभी बन रहे हैं, आग्नेय चट्टाने ही बन रही हैं, तो ये आपका पूरी तरह से गलत है। तो आपके जो कूट दिए हुए हैं कि केवल एक सही है, केवल एक दो सही है, केवल एक तीन सही है, सभी एक दो तीन सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल एक सही है, ठीक है। आप इसको पूरी तरह से आप लगा लीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि स्थान जहां भूकंपीय घटना का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए केंद्र मतलब फोकस, अभिकेंद्र यहाँ पे अधिकेंद्र होना चाहिए, इपी सेंटर, कोर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जहां भूकंपी जो घटनाएं होती है उसका सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र, ठीक है। अब आपको बताते चले कि जब भूकंप आता है तो सबसे पहले वायुमंडल में जो रेडान गैस है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, मतलब कि भूगर्भिक हलचल की वजह से जो रेडान गैस है उसका रिसाव होता है, और इस गैस की मात्रा में वृद्धि होना उस प्रदेश में भूकंप आने का संकेत होता है। जिस तरह से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, जहां से उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल कहते हैं, और जहां सबसे पहले अनुभव की जाती हैं भूकंपीय तरंगे वो सभी क्या कहलाती हैं, भूकंपीय अधिकेंद्र कहलाती हैं। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि मोहरोविसिक असंबद्धता मतलब मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी डैश 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 के मध्य स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं निचली क्रस्ट ऊपरी मेंटल के बीच में, ऊपरी मेंटल निचली क्रस्ट के मेंटल के बीच में, निचली मेंटल बाह्य कोर के बीच में, बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में। तो जो मोहरोविसिक असंबद्धता पाई जाती है वो पाई जाती है निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में, मतलब कि क्रस्ट का निचला भाग और मेंटल का ऊपरी भाग उसके बीच में पाई जाती है। अब आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रख लेना है कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, ये आपको याद करना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी की सतह से नीचे 700 किलोमीटर की गहराई पे एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे कहते हैं रेपेटी असंबद्धता या रेपेटी डिस्कॉन्टिन्यूटी, जो कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को डिवाइड करती है। अब आपसे पूछा गया है कि निचली मेंटल और कोर बाह्य कोर को कौन डिवाइड करता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। इसी तरह से बाह्य कोर और आंतरिक कोर को कौन डिवाइड करता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अब आपको एक चीज और बता दें कि जो ऊपरी क्रस्ट होता है और निचली क्रस्ट होता है उनके बीच में भी एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी की सतह के नीचे क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट भी दो भाग में, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, फिर उसके बाद मेंटल में भी अपर मेंटल लोअर मेंटल, फिर उसके बाद कोर में अपर कोर और लोअर कोर, ठीक है। तो इस तरह से पूरा क्या हो गई, तीन परतें थी उसमें छह पार्ट हो गए। अब सभी जितनी भी असंबद्धताएं हैं उनके बीच में पाई जाती हैं उनको आपको पूरी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि कोई ना कोई कोई भी परीक्षा हो उसमें आपको इस तरह का प्रश्न बनना ही बनना है। तो आपको पहले से ही तैयार रहना है, अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल होना चाहते हैं तो आप जो बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करते हैं उनको आप हल्के फुल्के मत सॉल्व किया करिए। एक प्रश्न से कितने प्रश्न बन सकते हैं उन सब की विकल्प को आप दिमाग में तैयार रखिएगा। तो आपको बताते चलें कि जब भूपटल से मेंटल की ओर संपर्क में जो पी वेव्स जाती हैं तो उस समय जो उनका वेग हुए वो 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है, और उसी से पता चलता है कि वहां पे कोई एक असंबद्धता पाई जाती है, और जो असंबद्धता पाई जाती है उसे ही कहते हैं क्या, मोह असंबद्धता। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने पर्वत निर्माण के तापी संकुचन सिद्धांत को प्रस्तावित किया, ठीक है। तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन जो है कॉन्सेप्ट दिया गया किसने दिया था, जॉली ने, होम्स ने, डेली ने या जेफरीज ने, तो ये सिद्धांत दिया था जेफरीज महोदय ने। तो ताप पर्वत के निर्माण संबंधी जो चार प्रमुख जो है सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं आपको रट लेना है। पहला है तापी संकुचन का सिद्धांत जिसे जेफरीज ने दिया था, खिसकते महाद्वीपों की परिकल्पना का सिद्धांत जो डेली महोदय ने दिया था, स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट्स हाइपोथेसिस, इसी तरह से संवहन तरंग सिद्धांत आर्थर होम्स ने दिया था, कन्वेक्शनल करंट थियरी, और उसके बाद तापी चक्र सिद्धांत या थर्मल साइकिल कॉन्सेप्ट जो है जॉली महोदय ने दिया था। तो इस तरह से आप
सभी तरह के जो भी विकल्प हैं उनसे क्या प्रश्न बन सकता है वो भी आप याद करते हुए चलिएगा। हमारे इन प्रश्नों को सॉल्व कराने का मकसद यही है, नहीं तो आपको कहीं से भी ये प्रश्न मिल सकते हैं। आपको मकसद यह है कि आपको आइडिया देना जिससे कि आप आसानी से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के जो तरीका है उसको आप बदलें, और जो प्रश्न पूछा गया उसका एक विकल्प सही है तो शेष जो तीन विकल्प बचे हुए हैं उनके लिए क्या प्रश्न बन सकता है, या चारों विकल्प मिला के क्या प्रश्न बन सकता है, इन सबको सोचते हुए अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम रुकने वाला नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची में घटक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे बनने वाली स्थलाकृतियां दी हुई हैं। तो नदी के जल द्वारा क्या बनेगा? नदी के जल द्वारा आपका जो है गोखुर झील बनेगी, ठीक है, ऑक्सबो लेक, वो तो कंफर्म है। हिमनद द्वारा क्या बनेगा? तो हिमनद द्वारा आपका ड्रमलिन बनेगा। भूमिगत जल द्वारा क्या बनेगा? तो भूमिगत जल द्वारा लैपीज बनेगा। पवन के द्वारा क्या बनेगा? आपका जीवगन बनेगा। तो आप आसानी से इसको मिला सकते हैं, ए का जो बनेगा तीन, ठीक है। तो आपका तीन का क्या है? तीन का ए, तो तीन का ए यहाँ आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हिमनद आप देखिएगा तो ड्रमलिन, दो का बी, तो दो का बी देख लीजिएगा, ठीक है, तो दो का बी आपको देख लीजिएगा। तो आप क्या 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 करना है कि आपको इसी तरह से इसको मिलाना है अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मिला लीजिएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है अगला जो प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ज्वालामुखी क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमाओं पर मिलते हैं, दूसरा है कि पीलियन तुल्य जलवायु सबसे भयंकर एवं विस्फोटक होते हैं, तीसरा है कि भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रांबोली एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, और डी नंबर दिया हुआ है कि जब ज्वालामुखी मतप्राय हो जाती है तो ज्वालामुखी पाइप के जमने के बाद लावा प्लग का निर्माण होता है। तो आपसे पूछा गया है कि जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है उससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका सही नहीं है कौन सा? सी नंबर, क्योंकि ये प्रसुप्त ज्वालामुखी ना हो करके क्या है, एक एक्टिव या सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो आपको बताते चलें कि जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है उसमें उद्गार एक बार होता है, उसके बाद शांत पड़ जाते हैं, और फिर कभी कभी उद्गार होता है, ठीक है। तो इनके जो उदाहरण है वो इटली का विसुवियस है, इंडोनेशिया का क्राकाटोवा है, जापान का फ्यूजियामा है कि नहीं, और जो स्ट्रांबोली हमने जैसा कि आपको बताया कि एक एक्टिव ज्वालामुखी है। अब स्ट्रांबोली को और किस उपनाम से जानते हैं वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि अपरदन चक्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए अपरदन का भौगोलिक चक्र जो कि WM Davis ने दिया था, ये सही है आपका। दूसरा है पेडी प्लेनेशन का जो चक्र है वो आपका LC King ने दिया था, ये भी आपका सही है, ठीक है। उसके बाद सवाना का जो है अपरदन चक्र मोरिसावा, तो मोरिसावा ने नहीं दिया था अपरदन चक्र का सिद्धांत, किसने दिया था? वो दिया था पुस एवं थॉमसन महोदय ने, ठीक है। और एपिसोडेमिक अपरदन चक्र दिया था SA Sum महोदय ने। तो आपको इस तरह से पूरी तरह से याद कर लेना है। और जो मैरी सावा महोदय थे उन्होंने टेक्नोजियोमेट्रिक मॉडल दिया था, ठीक है, और जो लासन महोदय हैं उन्होंने पैन फैन दिया था। अब आप मुझे बताइए कि पैन प्लेन शब्द किसने दिया था, वो आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि अपक्षय की वह प्रक्रिया जो खनिजों में जल की वृद्धि से होती है कहलाती है। ऑप्शन दिए हैं ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जलीय संलयन या जलयोजन। तो ये जो है कहलाता है जलयोजन, ठीक है, हाइड्रेशन कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जब सागरी लहरें एवं धाराएं नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा परिवर्तित एवं नष्ट कर दें तो परिणाम स्वरूप अपक्षयी डेल्टा कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए खंडित डेल्टा, परित्यक्त डेल्टा, ज्वारनदमुखी डेल्टा या चापाकार डेल्टा। तो जो सागरी लहरें या धाराओं द्वारा नदियों के जो डेल्टा में बदलाव किया जाता है, नष्ट किया जाता है, तो उसे कहते हैं खंडित डेल्टा, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा कि विश्व में परित्यक्त डेल्टा, चापाकार डेल्टा और ज्वारनदमुखी डेल्टा के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से। जैसे ज्वारनदमुखी जो डेल्टा होता है उसका उदाहरण आप बताइएगा, इसी तरह से आप परित्यक्त डेल्टा का क्या उदाहरण हो सकता है वो आप बताइएगा, जैसे चापाकार का क्या हो सकता है। चापाकार जैसे आपको मालूम है कि इंडस का डेल्टा हो गया, फिर उसके बाद नील नदी का डेल्टा हो गया, गंगा का डेल्टा हो गया। जैसे पंछीनुमा डेल्टा है तो पंछीनुमा आकार का जो डेल्टा बनता है वो आपका मिसिसिपी मिसौरी नदी द्वारा बनता है। तो इसी तरह से आपको अब दो है आपके पास कि परित्यक्त डेल्टा
किस नदी द्वारा बनता है जो विश्व में प्रमुख जो नाम जाना जाता है, और ज्वारनदमुखी डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अब उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि आपको कूट मिलाना है, और कूट कैसे मिलाना है। ये आपका हो गया है। हाँ, आपका जो 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक ऊंचाई का मेघ है, मेघ मतलब क्लाउड है, सबसे अधिक ऊंचाई पे कौन सा क्लाउड मिलता है। ऑप्शन दिए हमें स्तरी मेघ, मध्य स्तरी मेघ, स्तरी कपासी मेघ या पच्छाव कपासी मेघ। तो जो है आपका जो उत्तर है वो है आपका पच्छाव कपासी मेघ। तो आपको मालूम है कि मेघ मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, फिर उनकी सब कैटेगरीज होती हैं, तो कौन कौन से कैटेगरीज होती हैं उनको आपको देखना है एक बार, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि संघनन की गुप्त ऊष्मा के मिलने पर ऊपर उठती हुई वायु के तापमान में हुई कमी कहलाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं सामान्य ह्रास दर, शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन और ओशांक। तो जो सघन संघनन की गुप्त ऊष्मा से जो मिलने पर जो ऊपर उठती हुई वायु के तापमान में कमी होती है उसे कहते हैं आपका आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, ठीक है। वेट आइडियाबेटिक टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अब जो है अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन दिए हैं BSH, उसके बारे में दिया हुआ कि यह उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री से अधिक है। तो ये आपका जो है सही है, ठीक है। एस से याद रखना है, स्टेपी हो जाए। फिर उसके बाद CF जो है वर्ष भर वर्षा और पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु है। तो सी मतलब कि ये आपका मिड लेटिट्यूड का हो गया, मीसोथर्मल हो गया, और एफ का मतलब फुल टाइम मतलब कि साल भर वर्षा का प्रतीक है। तो ये आपका सही हो गया। फिर उसके बाद AW जो है सवाना दिया हुआ है, मानसून जलवायु संक्षिप्त, ये तो ये आपका गलत हो गया। अगर M होता तो वो फिर मानसून ही होता, ठीक है। तो आपका ये गलत हो गया। ये जबकि है किस चीज का, ये है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु का। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और जो लास्ट वाला वो भी देख लेते हैं, DF आर्द्र शीत जलवायु, कोई शुष्क ऋतु नहीं। तो ये भी आपका सही है। तो ये आपका सी नंबर स्टेटमेंट गलत है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि स्पेन एवं फ्रांस में उत्तरी पश्चिमी से दक्षिणी पूर्वी दिशा में प्रवाहित होने वाली स्थानीय पवन कहलाती है। ऑप्शन दिए हैं सिरक्को, बोरो या फिर मिस्ट्रल या फॉन। तो आपकी ये कहलाती है मिस्ट्रल कहलाती है। अब आपको बताना है कि कौन सी ऐसी इसमें से हवा है जो कि ब्लड ड्रेन करती है, समझे, रक्त वर्षा करती है, कौन सी हवा है वो आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं का अनुक्रम सही है, सीक्वेंस कौन सा सही है। ऑप्शन दिए हुए हैं असंतृप्त वायु, संघनन, ओशांक, वर्षण, मतलब कि सीक्वेंस क्या है, कि सबसे पहले क्या होता फिर क्या होता फिर क्या होता। बी बी जो ऑप्शन है कि असंतृप्त वायु, ओशांक, संघनन, वर्षण। तीसरा है ओशांक, असंतृप्त वायु, संघनन, वर्षण। और जो चौथा विकल्प है असंतृप्त वायु, संघनन, वर्षण और ओशांक। तो जो सही क्रम है वो है अनसेचुरेटेड एयर या असंतृप्त वायु, ड्यू पॉइंट, ओशांक, संघनन, कंडेंसेशन और उसके बाद वर्षण, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो आपका जो बी नंबर विकल्प है वो आपका सही हो गया। अब आपको बताते चलें कि जो संघनन की प्रक्रिया, संघनन क्या होता है कि जब गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होता तो संघनन होता, ठीक है। और यदि हवा का तापमान ओशांक बिंदु से नीचे चला जाता है तो संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और संघनन की प्रक्रिया पर वायु के आयतन, तापमान, वायुदाब और आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, संघनन की प्रक्रिया पर। अगला जो है फिर कूट मिलाना, सूची एक, एक तरफ सूची में दिए हुए चक्रवात के प्रकार मतलब कि उस स्थानीय क्षेत्र में कौन से चक्रवात किस नाम से जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं। तो आपको मालूम होगा कि जो टाइफून है, टाइफून कहाँ है, तो आपको मिला देना है कि चीन में होगा, ठीक है, तो आप टाइफून मिला दीजिएगा। फिर उसके बाद बेंगियाओ, ये आपका फिलीपींस हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका हरिकेन, ये आपका USA हो जाएगा। विली विली आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो आप अगर मिलाएंगे तो ए का डी, बी का सी, तो डी सी और तीन का आपका जो है बी, तो आपका पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आसानी से मिला दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जेट स्ट्रीम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये हमारे ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर संकरी प्रवाह पट्टी में प्रवाहित होती है। तो
तो ये आपका सही है, जेट स्ट्रीम का संचार केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो केवल उत्तरी गोलार्ध में तो नहीं होता है, ये दोनों गोलार्धों में होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। और भी जो स्टेटमेंट उनको भी देख लेते हैं कि इन हवाओं का मार्ग लहरदार एवं विसर्पण लिए हुए होता है, मतलब कि ये साइनसोइड्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि मीएंटर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो डी ऑप्शन है कि जेट स्ट्रीम के वायु वेग में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, तो ये भी सही है आपका। तो आपका बी नंबर जो है सही नहीं है। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए कि अगर आप इस तरह से प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा, और ये है कि आपका जो है बहुत डिस्क्रिप्टिव टाइप की तैयारी हो जाएगी, आप कहीं भी फेल नहीं होंगे। तो आपको इसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो आपको बताते चले कि जो जेट स्ट्रीम है क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति की क्षैतिज पवने हैं, ठीक है, जिनकी जो वेग है वो, हाँ पहले इनको जानना है कि ये लगभग 150 किलोमीटर जो है मतलब कि लंबाई में एवं 2 से 3 किलोमीटर की मोटी जो है चौड़ी पट्टी में सक्रिय रहते हैं, और इनकी जो गति होती है वो 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, ठीक है। और सामान्यतः ये जो है उत्तरी गोलार्ध में मिलते हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में भी ये जो है मिलते हैं, ठीक है। अब जो है अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है कि दो कथन दिए गए हैं, पहला कथन है, दूसरा कारण है, और फिर कूट दिए गए हैं, और सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र वर्ष भर वर्षा प्राप्त करते हैं, तो ये सही है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में उच्च आर्द्रता उच्च तापमान संवहनी वर्षा उत्पन्न करती है, तो मेरे हिसाब से तो दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही हैं, और पहले की व्याख्या दूसरा कर रहा है। तो आपका जो विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, इसमें विकल्प देखिएगा पलट दिया गया है, ट्रेडिशनल नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है आर सही है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और जो डी नंबर है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए एक आदर्श दशा नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि समान तापमान सहित एक विस्तृत समान पृथ्वी का धरातल, तो ये आपका जो है क्या है सही है। अगला है कि वायु का अभिसरण होना, तो इसको भी सोचिएगा आप। तीसरा है कि एक लंबी अवधि तक वायुमंडलीय दशाएं स्थिर होनी चाहिए, और जो चौथा है कि उत्पत्ति क्षेत्र स्थलीय या महासागरीय होना चाहिए। तो वायु का जो अभिसरण है वो नहीं होना चाहिए वायु राशियों की जो है उत्पत्ति के लिए, एक दशा सही नहीं है। तो जो जो दशाएं होनी चाहिए वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए वो प्रमुख रूप से है कि उनकी एक यूनिक टेम्परेचर और यूनिक जो है ह्यूमिडिटी होना चाहिए, ठीक है, वैसा कोई एक एरिया होना चाहिए। दूसरा है कि वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक स्थिर रहनी चाहिए, ठीक है, और उत्पत्ति क्षेत्र में वायु का अपसरण होना चाहिए, अभिसरण नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला जो है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता नहीं मिलती है। ऑप्शन दिए हुए हैं दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य, तो दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य मतलब कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र सही है। फिर उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है आपका, पर्थ का जो रीजन है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप में नहीं पाया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु, जबकि दक्षिणी जो यूरोप है उसमें पाया जाता है। उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु पाई जाती है, तो ठीक है, ये आपका जो है विकल्प सही नहीं है। और उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी भाग, तो ये आपका सही है, ठीक है। अब जो है इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपको बताते चलें कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु उसका जो विस्तार है दोनों गोलार्धों में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में, मतलब मध्य अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे होता है, और इस प्रकार की जलवायु की एक विशेषता होती है कि इसमें जो वर्षा है वो शीत ऋतु में होती है, ना कि शुष्क ऋतु में होती है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो इसका जो विस्तार है वो पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु एवं मरुस्थलीय जलवायु के बीच में पाया जाता है, और जो विश्व में इनका जो वितरण है वो मुख्य रूप से आपका दक्षिणी, जो दक्षिणी यूरोप है, उत्तरी अफ्रीका है, पश्चिमी एशिया का पार्ट है, उसके अलावा मतलब कि जो भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र वहां के अलावा उत्तरी, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो है मध्य कैलिफोर्निया में, दक्षिणी जो अमेरिका महाद्वीप उसमें मध्य चिली में, और उसके बाद अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीका देश के दक्षिणी भाग में, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाया जाता है। तो इसको आपको रट लेना है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि एक मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न 1:3000 है, 1:3000, जिसे 3 गुना छोटा किया जाए तो छोटे किए गए मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं 1:1000, 1:6000, 1:9000, 1:27000,
तो जो आपका 3 गुना छोटा करना है तो आपका जो है आरएफ हो जाएगा 1:9000। अब आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि अगर इसी मानचित्र को 3 गुना बड़ा करना हो तो उत्तर क्या होगा, वो आपका काम है, आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन दिए हुए, एक स्थान पर तापमान एवं वायुदाब के बीच सह संबंध गुणांक 3.5 है, सही है। परमाप विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है, तो ये भी आपका सही है, स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर उसके बाद परमाप विचलन का वर्ग विचरण गुणांक कहलाता है, तो जो एच डी का स्क्वायर होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस कहलाता है, ये भी सही है आपका। फिर उसके बाद ये मतलब कि आपको कहना क्या है कि सही कथन का चुनना, तो ये आपके जो शुरुआत के ये जो 3 कथन हैं ये आपके जो है सही नहीं है। जबकि जो चौथा कथन है कि लॉरेंज वक्र किसी सम्यक श्रेणी के अपविकिरण को प्रदर्शित करने की एक आरेखीय विधि है, तो आपका जो है विकल्प सही है वो आपका जो है क्या है, डी नंबर सही है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से देखना है, इसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सा कथन नहीं सही है, अचानक दिमाग बन जाता है, भले आप सही से पढ़े हों, या कभी कभी कहता पूछा जाता है कि कौन सा कथन नहीं सही है, तो आप सही पढ़ लेते हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन गलत होने पर ही आपका जो है सिलेक्शन रुक जाता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि समुद्र का खारापन सर्वाधिक है। ऑप्शन दिए हुए, भूमध्य रेखीय प्रदेश में, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उपध्रुवीय क्षेत्र में, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, मतलब इक्वेटोरियल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में, सब पोलर रीजन में, और जो है ट्रॉपिकल रीजन में। तो आपको बताना है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो है खारापन होगा, सबसे ज्यादा सैलिनिटी समुद्र की कहाँ पे होगी, तो वह है आपका जो है सब ट्रॉपिकल जोन में। और आपको बताते चले कि जो महासागरों में सर्वाधिक लवणता है वो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में तथा 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाई जाती है, और इसका कारण है कि इस क्षेत्र में उच्च तापमान के कारण अधिक मात्रा में वाष्पीकरण का होना एवं वर्षा अपेक्षाकृत कम होना, इसीलिए इस क्षेत्र में महासागरी जो जल की लवणता है या खारापन है वो 36 per 1000 होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है, एक तरफ समुद्री धाराएं दी हुई, दूसरी तरफ महासागर का नाम दिया हुआ है, तो आपको IOCO की जो धारा है वो आपको मिलाना है। IOCO की धारा आपकी जो है उत्तरी प्रशांत महासागर से है, ठीक है। फिर उसके बाद वेंगुएला की जो धारा है वो आपकी जो है क्या है, वेंगुएला की धारा आपको सोचना है कि कहाँ पे है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। उसके बाद हम्बोल्ट की जो जलधारा है वो आपकी दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा है, और कनारी की जो जलधारा है वो आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो आप इसी तरह से इसको सीक्वेंस से मिला देंगे और आपका जो भी विकल्प सही होगा उस पर आप टिक मार दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि महाद्वीपीय मग्न तट का औसत ढाल 5 डिग्री से 8 डिग्री होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है गलत है। अगला है कि महाद्वीपीय मग्न तट नदियों के मुहाने पर सामान्यतः चौड़े होते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कि अंतःसागरीय कंदराएं सामान्यतः महाद्वीपीय मग्न तट के समानांतर मिलती हैं, तो ये भी आपका जो है गलत है। तो आपका जो बी नंबर विकल्प है वो मुझे समझ में आ रहा है सही है। तो आपका कोड दिया हुआ कि केवल एक सही, केवल दो सही, केवल एक दो सही है, या दो तीन सही, या फिर एक दो तीन सही है, तो आपका जो सही है वो है केवल दो, ठीक है। अब जो है आपको बताते चले कि जो महाद्वीपीय मग्न तट होता है वो महाद्वीप का ही एक भाग होता है, और जिस पर जो सागरी जल का विस्तार पाया जाता है, और इसकी जो औसत गहराई है वो लगभग में 200 मीटर या 100 फैदम होती है। इसकी जो औसत ढाल है वो 17 फीट पर मील होती है, या 1 डिग्री से वो आपके आसपास होती है, और संपूर्ण महासागर के क्षेत्रफल का 7.5% भाग पर जो है महासागरी मग्न तट या कॉन्टिनेंटल सेल्फ पाए जाते हैं। और आपको ये भी बताते चले जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ये जो है आपका अटलांटिक महासागर में 13.3%, प्रशांत महासागर में 5.7% और हिंद महासागर में 4.2% पाया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि प्रवाल भित्तियों के निर्माण का स्थिर स्थल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं, डार्विन महोदय, मरे महोदय या डेली महोदय, तो ये दिया था मरे महोदय ने। अब आप मुझे बताइएगा कि जो डार्विन है, डार्विन महोदय ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और डेली ने जो है किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रवाल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुकूल दशा है, मतलब कि कौन सा जो है सही दशा है जिसमें प्रवाल का विकास हो सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं 100 मीटर से अधिक की महासागरीय गहराई, दूसरा है 35 से ज्यादा महासागरीय जल की लवणता, तीसरा है नदियों का शुद्ध जल, चौथा है महासागरीय जल का तापमान 20 डिग्री से 22 डिग्री होना। तो आपको बताते चले कि जो प्रवाल का जो सही विकास है वो 100 मीटर ना होकर के 60 से 70 मीटर तक गहराई तक होता है, ठीक है, लगभग में 200 फीट से 250 फीट तक। तो ये जो है आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि 35 प्रति हजार महासागरी लवणता, तो महासागरी लवणता भी 27 से 30 प्रति हजार होनी चाहिए, ना कि इतनी। और नदियों के मुहाने पर जो अगर शुद्ध जल है तो वहां पे भी विकास नहीं होता। चौथी जो दशा है वो है आपकी कौन सी, कि महासागरी जल का तापमान 20 से 22 डिग्री, तो ये आपका जो है थोड़ा बहुत सही हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है सही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है, क्लोरीन जो है आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और आपको बताते चलें कि जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसकी जो खोज की गई थी वो 1824 में जोसेफ फॉरियर द्वारा की गई थी, और 1896 में पहली बार स्वेंटी आर हेनेस द्वारा इसकी मात्रात्मक जांच की गई थी। और हरित गैसों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अन्य हाइड्रोजन गैसें आती हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं बायोम, इकोटोन, बायोटोन या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसे कहते हैं संक्रमणिका या फिर इकोटोन। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि कूट एक तरफ सूची एक दी है, दूसरी तरफ दूसरी सूची दी हुई, पहली सूची में जो है पोषण स्तर दिए हुए हैं, दूसरे में जीव दिए हुए हैं, तो स्वपोषी कौन होता है, तो आपको घास लगा देना है कि स्वपोषी होते हैं, ठीक है। तो आपका ए का जो है आपका मिल जाएगा क्या, बी, ए का बी हो गया। फिर उसके बाद शाकाहारी क्या होता है, तो शाकाहारी आपका जो है क्या होता है, भेड़ होता है, तो आपका इन दूसरे का सी हो गया, तो बी और सी पहले आपका लग गया। मांसाहारी कौन होता, तेंदुआ होता है, तो आप डी लगा देंगे। सर्वाहारी कौन है, मानव है, तो आप पहला ही विकल्प आपका सही हो गया, ठीक है, आप आसानी से लगा दीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, उनसे और भी बहुत से प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। और इसी तरह के आपको बताते चले कि यूपी पीजीटी के जितने भी पेपर अभी तक आए हैं सन 2000 से लेकर 2016 तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी के वीडियोज प्लेलिस्ट आप जाके देख लीजिएगा, पूरा अपलोडेड है, आप ध्यान से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी टीजीटी के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो भी अपलोडेड हैं 2000 से लेकर वर्तमान तक। और अब आप हम लोग जो है यूपी हायर अपलोड कर रहे हैं, इसके बाद अब नई नई श्रृंखलाएं जो है करेंगे, और भूगोल पे जितने भी प्रश्न हो सकते हैं पॉसिबल वो सब अपलोड करेंगे। तो आप जो है चैनल पे बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। तो प्रश्न अगला पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया। ऑप्शन दिए हुए हार्डसोन, हम्बोल्ट, रिटर और बैरेज। तो जो है ये कहा था आपका कार्ल रिटर महोदय ने, और इन्हें जो है आर्म चेयर भूगोलवेत्ता, आर्म चेयर ज्योग्राफर भी कहा जाता है। इन्होंने एक प्रसिद्ध किताब लिखी थी अर्धकुंडे या भूविज्ञान, और इनके अनुसार पृथ्वी मनुष्य के लिए है एवं मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है, और इन्हें जो है रीजनल ज्योग्राफी या प्रादेशिक भूगोल का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का विषय क्षेत्र है। ऑप्शन दिए हुए अवस्थिति मतलब लोकेशन, मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप, मानव पर्यावरण अंतर संबंध, प्रादेशिक विश्लेषण, रीजनल एनालिसिस, या उपरोक्त में से सभी सही, मतलब सभी सही है। तो कौन सा आपका सही है, सभी सही है, सभी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल के विकास के इतिहास का सही क्रम है, अनुक्रम है। ऑप्शन दिए हुए हैं यूनान, रोमन, अरब, अंध एवं युग, अंधयुग, ठीक है। फिर उसके बाद रोमन, अरब, यूनान, अंधयुग, अंधयुग, यूनान, रोमन, अरब, यूनान, रोमन, अंधयुग और अरब। तो ये आपका जो है कौन सा, डी नंबर जो है ऑप्शन मेरे हिसाब से सही, डी नंबर, हाँ डी नंबर आपका जो है सही है। तो सबसे पहले यूनान आए, फिर रोमन आए, ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका अरब आए, फिर उसके बाद अंधयुग आया, फिर उसके बाद आपका जो है अरब आए, ठीक है। तो आपको बताते चले कि जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था उसे यूनान का स्वर्णकाल कहा जाता है, और भूगोल के नामकरण और उनको व्यवस्थित करने का जो श्रेय है वो यूनानियों को दिया जाता है। और आपको ये भी बताते चले कि उसके बाद जैसे ही साम्राज्य का पतन हुआ अंधयुग आया, और इसमें
भौगोलिक ज्ञान की प्रगति नहीं हुई। फिर उसके बाद पुनर्जागरण काल में भूगोल के क्षेत्र में पुनः अन्वेषण कार्य शुरू हुए। अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ सूची वन में स्कूल दिए हुए, दूसरी तरफ उस स्कूल से संबद्ध विद्वानों के नाम दिए हुए, जैसे आपका जर्मन, तो जर्मन से जो है आपके अल्फ्रेड हेटनर महोदय जुड़े हुए थे, तो एक का ए आपका सही होगा। फिर उसके बाद फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी के कौन थे, जीन ब्रूंस थे, तो आपका दो का सी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्रिटिश से कौन थे, तो ब्रिटिश से एजे हर्बर्टसन महोदय थे, तो आपका डी सही हो जाएगा, तो डी सही होगा। अमेरिकन कौन थे, अमेरिकन मार्क जेफरसन थे, तो आपका ये सही हो जाएगा। तो ये जो है आपका ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अब आपको बताना क्या है कि हेटनर, जेफरसन और ब्रूंज और हर्बर्टसन, इन्होंने प्रमुख कार्य क्या किया भूगोल में, उनको आप क्रमबद्ध रूप से एक एक करके बता दीजिए। जैसे जेफरसन महोदय ने क्या किया था, जो प्रधान शहर होता है या प्राइमेट सिटी, उसका कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अलावा जो सेंट्रल प्लेस, वो टर्म दिया था। इसी तरह से ब्रूंस और हेटनर और हर्बर्टसन ने क्या किया था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। केवल एक एक आपको बताना है, ज्यादा नहीं बताना। जो अंतिम प्रश्न है इस जो वीडियो का, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन दिए हैं ज्योग्राफिक ह्यूमन, जीन ब्रूंस, तो ज्योग्राफिक ह्यूमन सही है। फिर उसका ब्रिटिश एंड द ब्रिटिश सीज डडले स्टाम्प, तो ब्रिटिश एंड ब्रिटिश सीज ये डडले स्टाम्प का नहीं, बल्कि ये किसका है, आपका मैकेंडर महोदय का है, ठीक है। तो आपका जो है ये गलत सुमेलित है, ठीक है। अब जो है उसके बाद ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, ये आपका जो है पीटर हैगेट का है। और उसके बाद जो चौथा विकल्प है कि द स्प्रिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी, ये एस डब्ल्यू बुलविच का सही है। तो ये जो है आपके ए सी और डी सही है, जबकि आपका जो बी है वो आपका सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, उसको सही कर लेना है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स जरूर डालिए जो भी प्रश्न पूछे गए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप वीडियो सुन रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। वैसे बहुत से चैनल हैं पूरे YouTube के, बहुत से पड़े हुए हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कराए जाएं, जिससे कि आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकें और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। इसके बाद अगर देखते हैं टाइम रहता है तो हम लोग जो है लाइव क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करेंगे, जिससे कि आपको मैं बेहतर से बेहतर जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी के अंतर्गत ज्योग्राफी का जो भी है पार्ट, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें तो आपको ज्योग्राफी केवल कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बताया जा रहा है, जिससे कि आपको सफलता मिल सके, लेकिन एक्चुअल में ये ज्योग्राफी नहीं है। ज्योग्राफी एक्चुअल में है क्या, वो आपको लेक्चर्स में बताएंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के अंतर्गत शेष बचे प्रश्नों के बारे में। तो ये जो प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ये प्रश्न पत्र था 2014 का, और इसके अंतर्गत पहले वीडियो में हमने बात किया था 1 से लेकर 35 नंबर प्रश्नों तक। अब हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 36 नंबर प्रश्न से 70 नंबर प्रश्न तक। जो पहला प्रश्न पत्र पूछा गया है इसके अंतर्गत, वो है कि निम्नलिखित में से कौन आचार परक भूगोल से संबंधित नहीं है, मतलब वेलफेयर ज्योग्राफी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए गिल्बर्ट व्हाइट, डब्ल्यू के किर्क, पीटर गोल्ड, यीफितुआन। तो आपको बताते चले कि जो शुरुआत के ए बी सी है, ये आचार परक भूगोल से संबंधित थे, जबकि यीफितुआन आचार परक भूगोल से ना संबंधित होके ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी या मानववादी भूगोल से संबंधित थे, और मानववादी भूगोल का जनक यीफितुआन को कहा जाता है। इसके अलावा आपको बताते चले कि जो आचार परक ज्योग्राफी है, इसकी जो शुरुआत की थी वो किर्क महोदय द्वारा 1951 में की गई थी। अब आपको बताते चले कि 1960 के दशक में भूगोल में परिणात्मक क्रांति के विरोध में आचार परक क्रांति का आगमन हुआ, और इसके विकास के जो प्राथमिक चरण था उसमें किर्क, राइट, हैगेस्टेंड, गिल्बर्ट, व्हाइट, उल्पर्ट, ब्रूफील्ड, डाउन्स, बर्टन इत्यादि विद्वान आए थे, ठीक है, जो पहले मात्रात्मक क्रांति के समर्थक थे, वो भी बाद में आचार परक क्रांति के अंतर्गत आए। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि प्रत्यक्षवाद की मुख्य अवधारणा है, ऑप्शन दिए हुए हैं अनुभववाद, नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण, दोनों, ए बी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पॉजिटिविज्म आया था, उसकी अवधारणा जो इस आधारित थी वो थी अनुभववाद पे और नियमों एवं सिद्धांतों के निर्माण पे। तो आपका जो सी नंबर विकल्प है वो आपका सही है। अब आपको बताना है कि जो प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद के जनक कौन थे, ये आपका क्वेश्चन है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं।
उम्मीद है कि इसके पहले का जो वीडियो हमने बनाया था उस पर आपने काम किया होगा, उसको आपने अपने नोट्स बनाए होंगे और तैयार किया होगा। अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ सूची वन में मानचित्रण विधि दी हुई है, कार्टोग्राफिक टेक्निक्स दी हुई है, मेथड्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ किस प्रकार के मानचित्र उन विधियों द्वारा बनते हैं वो दिए हुए हैं। तो सम्मान रेखा दिया हुआ है, सम्मान रेखा का मतलब आइसोलाइंस दी हुई है। अब आइसोलाइंस किस से जुड़ी हुई है वो आपको देखना है, इस तरफ खनिजों के वितरण से, तापमान के वितरण से, भूमि उपयोग से, जनसंख्या घनत्व से। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा तापमान के वितरण से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हो गया, आइसोथर्म, आइसोथर्म और आइसोलाइन, ठीक है, आप मैच कर लेंगे। इसी तरह से जो वर्ण मात्री है या कोरोप्लेथ है उसका जो उससे जो बनता है वो क्या बनता है, जनसंख्या के घनत्व को, वितरण को दिखाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अगला है कि रंगत रेखी या कोरोक्रोमेटिक, ये जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है, वो आपका जुड़ा हुआ है भूमि उपयोग से, लैंड यूज से। अगला जो है आपका वर्ण प्रतीकी या कोरो स्कीमेटिक, ये जो है आपका है जिस प्रकार के मानचित्र बनाए जाते हैं वो है खनिजों के वितरण से संबंधित मानचित्र। तो आप आसानी से इनको लगा सकते हैं, आपका जो है ए का आप लगा देंगे बी, दो का आप लगा देंगे, दो का आप कौन सा लगाएंगे, दो का डी। तो बी और डी आपके ये दो ऑप्शन मिल रहे हैं। फिर उसके बाद जो तीन नंबर है, तीन का आप लगा देंगे सी, तो आपका तीन का सी और चार का ए, तो आपका ए नंबर जो विकल्प है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिश्रित पिरामिड है, ऑप्शन दिए हुए माना रेख, एक बिमीय आरेख, द्विबिमीय आरेख या त्रिबिमीय आरेख। अब जो है ये जो मिश्रित पिरामिड होता है वो है आपका एक बिमीय आरेख। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके जो कथन दिए हुए हैं, पहला कथन है कि वारेनियस ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी यूनिवर्सल में उद्देश्यवादी विचारों को अग्रसित किया। तो सबसे पहले ये याद रखना कि वारेनियस ने ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट नामक किताब लिखी थी, ना कि ज्योग्राफी यूनिवर्सल। तो आपको यहाँ पे सोच लेना है कि आपका ये स्टेटमेंट यहीं से गलत हो गया। अगला है कि रेडजल ने राज्य की जैविक अवधारणा का प्रतिपादन किया था, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो है आपका कौन सा, वो है कि आपका कि अल मसूदी ने वाष्पीकरण एवं संघनन की प्रक्रियाओं का वर्णन किया था। तो अल मसूदी ने जो है किया था, सही है कि नहीं सही है, तो वो भी आपका सही है। तो आपका जो स्टेटमेंट सही है वो आपको यहाँ पे देखना है कि एक दो सही है या एक तीन सही है या दो तीन सही है या एक दो तीन सही है। तो आपके जो सही हैं वो हैं आपके दो और तीन, ना कि पहला, क्योंकि ज्योग्राफी यूनिवर्सल इन्होंने नहीं लिखा था। ज्योग्राफी यूनिवर्सल किसने लिखा था वो आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। आपको बताते चले कि जो वारेनियस महोदय थे उन्होंने ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट लिखा था और उसमें भूगोल को दो भागों में विभक्त किया था, एक क्रमबद्ध भूगोल और एक प्रादेशिक भूगोल में। अब जो है हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि प्रकीर्ण बस्तियां मिलती हैं, ऑप्शन दिए हैं मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में, नील नदी घाटी में, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रकीर्ण बस्तियां जो आपकी मिलती हैं वो आपकी मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं। अब मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया का भाग कैसा है, किस प्रकार का भाग है वो आपको बताना है, पठारी है कि रेगिस्तानी है वो आपको बताना है, आपके दिमाग में आ गया होगा। और आपको बताते चलो कि जो नील नदी घाटी का जो डेल्टा है और उत्तरी पश्चिमी यूरोप है वह वहां पर सघन बस्तियां मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अधिवासों का कार्य है, ऑप्शन दिए हुए हैं वानिकी एवं खनन, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग, दुग्ध व्यवसाय, डेयरी ऑक्यूपेशन, उसके बाद मछली पालन या फिशिंग या उपरोक्त सभी। तो आपके सभी आते हैं जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मैदानों में निम्नलिखित में से आदिवासियों का कौन सा प्रतिरूप मिलता है, मतलब किस प्रकार का सेटलमेंट पैटर्न मिलता है। ऑप्शन दिए हुए रेखी प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप या नेबुला प्रतिरूप। तो जो है आपका रेक्टेंगुलर जो है पैटर्न मिलता है यहाँ पे जो जलोढ़ मैदान होते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है, एक तरफ नगर दिए हुए हैं और वो नगर किस लिए प्रसिद्ध हैं, किस प्रकार का उनका फंक्शन है, फंक्शनैलिटी क्या है, वो आपका दिया हुआ, तो आपको उससे मिलाना है। तो आपको जो मालूम है कि आपका जो नई दिल्ली है वो क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी के रूप में जानी जाती है, तो आपका ए का डी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो रोम है, रोम आपको मालूम है कि एक कल्चरल सिटी के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा जो दुर्गापुर है ये आपका जो है औद्योगिक नगर के रूप में, और मसूरी जो है आपका
जो है हिल स्टेशन या रिसोर्ट शहर या स्वास्थ्य शहर जाना जाता है। तो आप जब मिलाएंगे तो आपका जो बी नंबर है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं तो उससे कई प्रश्नों के तैयार होने की संभावना बन जाती है, तो आगामी परीक्षाओं के लिए वो बेहतर रहेगा। अगला दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ सन नगर और उसका प्रतिपादक दिए हुए हैं पैट्रिक गेडी जो से संबंधित है, दूसरा मेगालोपोलिस जेफरसन दिया हुआ है, कोटियाकार जेके जिफ दिया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताते चले जो मेगालोपोलिस शब्द है ये जेफरसन की जगह पर किसने दिया था, ये दिया था आपका जीन गॉटमैन महोदय ने, ठीक है। और जो सन नगर है कॉन्वर्बेशन है वो गेडीज ने दिया था, समझ रहे हैं। कोटियाकार नियम जो है वो भी जेके जिफ ने दिया था, लेकिन मार्क जेफरसन ने मेगालोपोलिस ना देकर के जो सेंट्रल प्लेस वर्ड है वो उन्होंने दिया था। इसके अलावा उन्होंने प्राथमिक शहर या प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट भी दिया था। अब आपको बताते चले कि जो अमेरिकन समाजशास्त्री थे जिनका नाम था लुइस मम्फोर्ड, उनके नाम पे इलाहाबाद में एक जो है मम्फोर्ड गंज भी है आपको मालूम होगा, ने नगरों के कार्यों और ऐतिहासिक तथ्यों के सूक्ष्म अध्ययन के उपरांत नगरों की 6 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी 6 अवस्थाएं बताई थी? इयोपोलिस मतलब कि नगर की जब शुरुआत होता है और शुरुआत से लेकर जब तक समाप्त हो जाता है तब तक की इस अवस्थाओं को बताया है, इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टायरेनोपोलिस और नेक्रोपोलिस। तो आपको इन सीक्वेंस को याद कर लेना क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में इनका सीक्वेंस लगाने को पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी है। ऑप्शन दिए हुए गामा किरणों की, एक्स किरणों की, रेडियो किरणों की और परावैगनी किरणों की। तो जो दिए हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा है रेडियो किरणों की। अब आपको बताते चले जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो आपको बताते चले जो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। तो हम लोग शुरू करते हैं जहां पे सबसे कम होती है वेवलेंथ वहां से लेके अधिक की ओर अगर सीक्वेंस देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो आपकी होती है गामा की, फिर उसके बाद एक्स रेज की, फिर उसके बाद अल्ट्रा वायलेट या फिर पराबैंगनी की, फिर उसके बाद विजिबल की, फिर उसके बाद इंफ्रारेड की, इंफ्रारेड के बाद आपका रेडियो वेव माइक्रोवेव की, फिर उसके बाद रेडियो वेव की, फिर टेलीविजन वेव्स। तो ये एक सीक्वेंस होता है। तो क्या सीक्वेंस हुआ? गामा, एक्स, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, टीवी वेव और आपका जो है ये समझ रहे हैं रेडियो और टीवी वेव। तो ये आपका एक सीक्वेंस है। अगला प्रश्न है कि कोट आकार नियम के अनुसार यदि पांचवी कोट के शहर की जनसंख्या आपकी 15,25,000,000,10,00,000,10,00,00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 0,
बड़े शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो जब आप 5 गुना करेंगे इसको तो कौन सी हो जाएगी आपकी, ये आपकी जनसंख्या हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो आपको ये देख लेना है कि 75 लाख हो जाएगी। अब जो है आपको बताते चले कि जो है कि जो कोटि आकार का नियम है ये जो दिया था वो दिया था जेके जिफ ने 1949 में, और इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला डेराइव किया था। वो फार्मूला क्या था तो आपको बताना है, ठीक है? और ये जो कोटि आकार नियम दिया था वो था एक कॉन्सेप्चुअल, मतलब कि एक मॉडल था जो किसी प्रदेश में नगरी बस्तियों का उनके आकार के अनुसार वितरण के प्रतिरूप को बताता था, ठीक है? अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जनांकी संक्रमण का की कौन सी अवस्था अल्प विकास की अवस्था को दर्शाता है? ऑप्शन दिए हैं उच्च स्थिर अवस्था, मतलब हाई स्टेशनरी स्टेज, दूसरा है प्रारंभिक बढ़ती हुई अवस्था, समझ रहे हैं, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, दूसरा है देर से बढ़ती हुई अवस्था, मतलब कि लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, और उसके बाद निम्न स्थिर अवस्था, लो स्टेशनरी स्टेज, ठीक है? तो इसमें जो अल्प विकास की अवस्था थी वो थी हाई स्टेशनरी स्टेज, मतलब कि उच्च स्थिर अवस्था। तो आपको बताते चले कि जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी है उसकी जो सबसे पहले प्रतिपादन किया था वो किया था 1929 में थॉमसन महोदय ने, जबकि उस समय जो है जो अवस्थाओं की संख्या थी, स्टेजेस थे, वो केवल 3 थे, और उसके बाद नोटेस्टीन महोदय ने 4 इनको 4 किया, और 1945 में इन्होंने जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसके बाद क्लार्क महोदय ने 5 किया। तो ये सब एक पूरा प्रक्रिया है जिसको हम लोग जब लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। तो आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सबसे पहले जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, कब दिया था, तो किसने दिया था, थॉमसन ने, कब दिया था, 1929 में। उसके अलावा नोटेस्टीन ने कब दिया था, तो नोटेस्टीन ने 1945 में दिया था।
तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है, तो आपको बता देना है। और आपको बताते चले कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, ये विकसित देशों स्पेशली यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की जन्म दर, मृत्यु दर और उनकी प्राकृतिक वृद्धि दर की प्रवृत्तियों पर आधारित है। इसके अनुसार जनसंख्या विस्फोट का पूर्व अनुमान किया जा सकता है और जनसांख्यिकी में उच्च स्थिर अवस्था अल्प विकास को दर्शाती है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन दिया है गुरुत्व मॉडल, मतलब ग्रेविटेशनल मॉडल स्टीवर्ट का, तो ये आपका सही है। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, लीस्ट एफर्ट थ्योरी, ये आपका जेके जिफ का, ये भी सही है। अंतरालयी अवसर मॉडल स्टोफर, समझ रहे हैं। तो आपके जो भी इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल, समझ रहे हैं, तो ये जो तीनों दिए हुए मॉडल मेरे हिसाब से तीनों सही हैं। आपका कूट क्या दिया हुआ कि केवल एक दो सही है या दो तीन सही या एक तीन सही या एक दो तीन, तो मेरे हिसाब से जो तीन था तो तीनों सही हैं। अब जो है अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की उम्र बढ़ना परिणाम है किसका, घटती जन्म मृत्यु दर का, घटती जन्म दर का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों का है कि घटती मृत्यु दर है और घटती जन्म दर, इसकी वजह से जो है जनसंख्या में उम्र बढ़ने लगती है। अगला प्रश्न है कि सुदूर संवेदन या दूर संवेदन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। अब दूर संवेदन का मतलब है रिमोट सेंसिंग। ऑप्शन दिए हुए हैं कि भू स्थिर उपग्रह लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये आपका सही है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। दूसरा दिया हुआ है सन साइंक्रोनस उपग्रह का पथ उत्तर दक्षिण होता है, मतलब कि ये पोलर ऑर्बिटिंग होते हैं, तो ये भी आपकी बात सही है। तीसरा है एक्स किरणें प्रमुखता सुदूर संवेदन में प्रयुक्त होती है, तो एक्स किरणें नहीं यूज होती हैं, बल्कि इसकी जगह पे क्या यूज होती हैं, ज्यादातर विजुअल जो वेव्स होती हैं इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, ये ज्यादातर यूज होती हैं जो कि रिमोट सेंसिंग में यूज होती हैं। तो ये आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो रिमोट सेंसिंग के बारे में सही नहीं है। और जो अगला है कि इसरो ने सर्वप्रथम रूस से आर्यभट्ट अंतरिक्ष में अपना जो है कार्यक्रम प्रारंभ किया, तो आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था, कब किया गया था, 1975 में। अगला आप जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं कि कृषि का वह प्रकार जिसे बड़े आकार वाले खेतों में यांत्रिक विधियों से किया जा सकता है कहलाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं मिश्रित खेती, विस्तृत खेती, उद्यान कृषि या गहन खेती, तो वो कहते हैं आपका विस्तृत खेती, एक्सटेंसिव फार्मिंग। अगला जो है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से फसलों के किस समूह को उन क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहां तापमान 20 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड एवं वार्षिक वर्षा एनुअल रेनफॉल 150 सेंटीमीटर से अधिक हो। ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब फसलों के समूह दिए हुए हैं, रबड़, चावल, जूट, जौ, जूट, चाय, चावल, गेहूं, मक्का, चाय, कॉफी, मक्का, तो जो आपका समूह है वो आपका सही सम्मिलित है, कौन सा, रबड़, चाय, जूट, ये आपका सही है। तो आइए देख लेते हैं उत्तर कौन सा दिया हुआ है, तो उत्तर भी आपका जो है यही है, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार नहीं है, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का टाइप नहीं है। ऑप्शन दिए हैं चन्ना, फेजेंडा, मिल्पा या उपरोक्त में से सभी, तो जो फेजेंडा है वो एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं है, जबकि चन्ना जो है, चन्ना जो कि आपको मालूम है कि श्रीलंका में जो है जो स्थानीय खेती की जाती है उसे कहते हैं। मिल्पा जो है आपकी जो कही जाती है, कहाँ कही जाती है आपको सोचना है, आप बताइएगा कहाँ की जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि जो फेजेंडा है ये ब्राजील में जो कहवा के बागान होते हैं उनको कहा जाता है। अब आपको बताना है कि ब्राजील में एक बंदरगाह है जिसको काफी बंदरगाह कहा जाता है, वो कौन सा है, काफी परीक्षाओं में पूछा गया है, वो आपको मुझे बताना है। और आपको बताते चले कि विश्व में जो स्थानांतरित कृषि है उनके प्रकारों को वहां के स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे वियतनाम और लाओस में रे कहा जाता है, मालागासी या मेडागास्कर जिसे कहते हैं हावी कहा जाता है, मसोले जो है कांगो में कहा जाता है, समझ रहे हैं, लोगन पश्चिमी अफ्रीका में कहा जाता है, कैनिंग फिलीपींस में, और चेन्ना श्रीलंका में, हुमा जावा और इंडोनेशिया में कहा जाता है। तो मैंने आपसे पूछा कि मिल्पा कहाँ कहा जाता है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि कूट दिए हुए हैं, मतलब कथन और कारण दिए हुए हैं, सही उत्तर का चयन करना है। कथन है कि संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं अनुपयोग है, ये आपका सही है स्टेटमेंट। अगला है संरक्षण संसाधनों की मनुष्य के लिए सर्वाधिक संभव लंबी समय अवधि के लिए निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है, तो ये जो है आपके दोनों कथन सही, मतलब कि इसमें क्या है कि पहला तो कथन आपका जो है क्या है कि संसाधन संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं अनुपयोग है, तो वो बात सही है आपकी। फिर उसके बाद ये भी आपका सही है, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है।
और जो पहला स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट की व्याख्या नीचे वाला कर रहा है, तो आपके दोनों सही हो जाएंगे और दोनों सही रहेंगे, ठीक है, तो वो आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि कूट का प्रयोग करना है, एक तरफ सूची एक दी हुई, दूसरी तरफ सूची दो दी हुई है, तो एक तरफ लेखक दिए हैं, दूसरी तरफ सिद्धांत दिए हुए हैं। अब आपको बता दिया जा रहा है कि जो मैं प्रश्न पत्र ओपन करके रखा हूँ उसमें बहुत जगह पे गलत दिया हुआ है, तो उसको आपको इग्नोर करना है, जो आपको बताया जा रहा है वो सही है, ठीक है, क्योंकि जो कंपाइलेशन किया गया है वो कहीं से अलग से लिया गया है जो कि गलत है। तो आपको बताते चले कि जो एक तरफ लेखक दिए हैं जैसे बेवर, तो बेवर जो है आपको मिलाना है कि बेवर किससे संबंधित थे, तो बेवर का जो संबंधित थे वो थे आपके न्यूनतम परिवहन लागत से, मतलब ए का सी हो जाएगा। स्मिथ जो थे अधिकतम लाभ से, दो का बी हो जाएगा। तीन था होटलिंग, होटलिंग के बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत था। और जो हुअर था, हुअर का जो है न्यूनतम उत्पादन लागत का सिद्धांत था। तो ए का आपका सी हो गया, बी का बी, दो का बी हो गया, मतलब सी बी, और उसके बाद सी बी डी ए, सी बी डी ए आपको याद रखना है, तो इस तरफ चले आइएगा, सी बी डी ए, सी बी डी ए, मतलब कि आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं सऊदी अरब, रूस, ईरान, यूएसए। सऊदी अरब, यूएसए, ईरान, रूस, यूएसए, सऊदी अरब, रूस, ईरान, सऊदी अरब, यूएसए, रूस, ईरान। तो जो अवरोही क्रम है मतलब घटते हुए क्रम है। अब यहाँ पे पूछा गया प्रोडक्शन की बात की गई है, ना कि भंडारण की बात की है गई, तो यहाँ पे स्टोरेज को ना ध्यान रखते हुए केवल प्रोडक्शन के ध्यान देना, तो वो है आपका यूएसए, सऊदी अरब, रूस और ईरान। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि विश्व में अग्रणी चांदी उत्पादक देश है, ऑप्शन दिए हुए हैं दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो आपका जो मैक्सिको है, आपको मालूम है कि वहां पे एक खान है जिसका नाम है चिहुआ हुआ, वो बहुत फेमस खान है पूरे विश्व में, जो कि मैक्सिको में स्थित है, सबसे ज्यादा जो है उत्पादन करती है चांदी का। और जो दूसरी खान है जिसका नाम है हिया लगो या पचुका खान, तो ये आपका जो है सही हो गया। अगला जो है प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित परिवहन के प्रकारों में किसकी जो है टर्मिनल लागत न्यूनतम है, ऑप्शन दिए हुए हैं जल परिवहन, रेल परिवहन और उसके बाद वायु परिवहन, सड़क परिवहन। तो आपका जो जल परिवहन है वो आपका एग्जैक्टली सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से ओपेक सदस्यों का कौन सा समूह सही है, ऑप्शन दिए हुए इराक, ईरान, कुवैत, यूएसए, लीबिया, यूएस, यूएसए, यूएई, अल्जीरिया, लीबिया, इराक, कतर, इंडोनेशिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक, कतर, मिस्र। तो ये जो है आपका दिया हुआ है ओपेक, मतलब कि आपका जो है 1960 में जो तेल निर्यात कंपनीज थे या तेल निर्यातक या उत्पादक जो देश थे उनका एक संगठन था जो कि 1960 में स्थापित किया गया था, तो उसके अंतर्गत ज्यादातर जो मिडिल ईस्ट के जो लोग थे वो आपके जुड़े हुए थे। मिडिल ईस्ट का मतलब कि आपका पश्चिमी एशिया के लोग जो है इससे जुड़े हुए थे, और इसके अंतर्गत उस समय कुल 13 सदस्य थे, ठीक है। कौन कौन से थे उसमें, अल्जीरिया, इक्वेडोर, गैबन, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला थे। और आपको बताते चले कि जो ओपेक है, ओपेक के जो मुख्यालय है वो आपका स्थित है ऑस्ट्रिया में, वियना में, ठीक है। अब जो है अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें मैकिंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सी उनकी किताब थी, ब्रिटेन एंड द ब्रिटिशीज, द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, नेशन एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, डेमोग्राफिक एंड डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज। तो जो हृदय स्थल सिद्धांत दिया था वो दिया था द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, उसमें दिया था। अब आपको बताते चलें कि ये जो रिसर्च पेपर है वो उन्होंने प्रस्तुत किया था रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के जो है बैनर के तले उन्होंने किया था 1904 में, और उसमें ही इन्होंने हर्टलैंड जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो आपको बताते चले कि ये तो आपका हो गया। और अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं है, ऑप्शन दिए हुए महिला साक्षरता, अपराध, घरेलू परिसंपत्तियां और शिशु मृत्यु दर। तो जो आपका जो सोशल वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं है वो है आपका जो है क्राइम, ठीक है, जबकि महिला साक्षरता मतलब वुमेन लिटरेसी, घरेलू परिसंपत्तियां मतलब डोमेस्टिक जो एसेट्स हैं, और जो शिशु मृत्यु दर है मतलब जो आपका क्रूड डेथ रेट है, चाइल्ड क्रूड डेथ है,
वो आपकी काउंट की जाती है सामाजिक कल्याण के सूचक के रूप में। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन दिए हुए हैं स्पेनिश, अरबी, टोपिनाड और मंदारिन। तो जो मंदारिन है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। अब आपको बताते चले कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो यूएन के अनुसार कुल बोले जाने वाली भाषाओं की संख्या 6809 है, समझ रहे, लगभग में 7000 के आसपास है। और इनमें से 90% जो भाषाओं का बोलने वाली जो संख्या है वो 1 लाख से कम है। और लगभग 150 से 200 भाषाएं ऐसी हैं जिनमें 10 लाख से अधिक ज्यादा लोग बोलने वाले हैं। और दुनिया में सबसे अधिक बोलने वाली जो भाषाएं हैं उनमें पहले नंबर पर मंदारिन है, दूसरे पे स्पेनिश है, तीसरे पे अंग्रेजी है, चौथे पे हिंदी है और पांचवें पे रूसी है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रजातियों के वर्गीकरण में त्वचा के रंग को एक मानक माना है। ऑप्शन दिए हुए हैं कुवियर महोदय द्वारा, हेडन द्वारा या टोपिनार्ड द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुवियर महोदय ने त्वचा के रंग के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया था, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो हेडन महोदय है उन्होंने किसके आधार पर किया था, आप सोचिएगा। तो कुवियर ने जो त्वचा के रंग के आधार पर मानव जातियों का, पूरे विश्व की जो मानव जातियां हैं उनका वर्गीकरण किया था, वो 3 वर्गों में किया था। पहला था काकेसाइड, जो कि श्वेत प्रजाति या ल्यूकोडर्म प्रकार की थी। जो मंगोलाइड है वो पीली प्रजाति की थी, मतलब उनकी त्वचा का रंग पीला था, जिन्हों कैथोडर्म कहते हैं। और जो है निग्रोइड, मतलब काली चमड़ी वाले लोग, जिन्हें मेलोडर्म कहते हैं। और जो हेडन महोदय, जैसा कि हमने आप पहले प्रश्न पूछा कि हेडन और हक्सले महोदय ने बालों के रंग और उनकी बनावट के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। तो आपको याद रखना कि त्वचा के रंग के आधार पर कुवियर ने किया था और हेडन और हक्सले ने बालों के रंग और बनावट के आधार पर विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है कि किसे मिलता है क्या, कहाँ, कैसे, यह आधारभूत बिंदु है मानववादी भूगोल का, कल्याणकारी भूगोल का, प्रदेशिक भूगोल का और क्रमबद्ध भूगोल का। तो यह है आपका वेलफेयर ज्योग्राफी की एक अप्रोच है और ये जो दिया था सिद्धांत ये दिया था स्मिथ महोदय ने, ठीक है। और इसकी जो परिकल्पना आई थी 1970 में आई थी। अगला जो प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना, एक तरफ जनजातियां दी हुई हैं, दूसरी तरफ किन क्षेत्रों में ये जनजातियां पाई जाती हैं वो दिया हुआ है। तो एस्किमो आप सभी लोगों को मालूम है कि ये जो है जो स्कैंडिनेविया क्षेत्र है वहां पे मिलती है, ये आपका सही है कि नहीं सही है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सोचना है कि एस्किमो वहां मिलते हैं कि नहीं। नहीं, आपका जो एस्किमो है वो कनाडा में है, जो लैप्स हैं लैप्स आपकी स्कैंडिनेविया क्षेत्र में पाई जाती है, और जो मसाई है वो आपका पूर्वी अफ्रीका में हो गया, और जो पिग्मी है वो आपका कांगो बेसिन में है। तो आपको एस्किमो और जो लैप्स पाई जाती है उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। एस्किमो जो है आपका कहाँ मिलते हैं, कनाडा में मिलती है, लैप्स आपकी जो है स्कैंडिनेविया हो गया, मसाई आपका पूर्वी अफ्रीका हो गया और पिग्मी आपका जो है कांगो बेसिन हो गया, ठीक है। तो आप सिक्वेंस से लगा देंगे, आपका ए का ए हो जाएगा ए, उसके बाद आपका जो है सी, सी के बाद बी, बी के बाद डी, मतलब ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आप इसको मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण से संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं मसाई जनजाति, एस्किमो जनजाति, बुशमैन और पिग्मी जनजाति। तो जो संबंधित है पशुचारण से वो है आपकी कौन सी, मसाई जनजाति, जो कि पूर्वी अफ्रीकी प्रदेशों में पाई जाती है। अब पूर्वी अफ्रीकी प्रदेशों में कौन कौन से देश हैं जहां पे मसाई जनजाति पाई जाती है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है, ठीक है, वो आपको मुझे बताना है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं, क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपकिरण की सापेक्ष माप है, ठीक है। अब ऑप्शन दिए हुए हैं कि माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन, विचरण गुणांक और मानक विचलन। तो जो ये है इसका उत्तर है वो है विचरण गुणांक, समझ रहे हैं। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा है। ऑप्शन दिए हुए हैं सांस्कृतिक परिमंडल, सांस्कृतिक प्रदेश, सांस्कृतिक विश्व और सांस्कृतिक अर्थ। तो जो सांस्कृतिक अर्थ है वो जो चारों दिए हैं उनके स्केल के आधार पर सबसे छोटा भाग है, जहां से संस्कृतियों का जन्म होता है और वहां से पूरी संस्कृतियों का विकास होता है, जबकि जो सबसे बड़ा है वो आपका परिमंडल है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, ये एक इनका जो है सीक्वेंस है कि जो है सबसे बड़ा जो है क्या है मतलब पूरा सांस्कृतिक जो है मंडल है, उसके बाद परिमंडल है, फिर सांस्कृतिक प्रदेश है, इस तरह से जो विभाजन किया गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है और आपको बताते चले कि इस आधार पे जो है जो
विभाजन किया गया है वो थॉमस और स्पेंसर से जुड़े हुए थे, निफेन, ब्रोएक और विटलेसी इत्यादि लोग जो है जुड़े हुए थे इससे। अब जो है इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रजाति ने कांस्य संस्कृत का सूत्रपात किया और सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया। ऑप्शन दिए हुए निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरी और नार्डिक। तो जो कांस्य सभ्यता है उसका जो विकास किया था वो किया था भूमध्य सागरी प्रजाति ने। अब आपको बताते चलें कि जो आपका कांस्य संस्कृत है या फिर जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसको जो विकसित किया था वो भूमध्य सागरी प्रजाति ने किया, ये आपको मालूम है, ठीक है। और ये जो है काकेशियस जो प्रजाति है उसका एक पार्ट थी। और इनकी जो प्रमुख शारीरिक विशेषताएं हैं उनका था कि औसत कद होता है, लंबा चेहरा होते हैं, पतले होंठ होते हैं, ठीक है, सीधा ललाट होता है, काली या भूरे बाल होते हैं, शरीर पर साधारण बाल होते हैं, भूरा एवं गेहूं रंग होता है, ठीक है। और आपको बताते चले कि जो मेडिटेरियन प्रजाति है या भूमध्य सागरी प्रजाति है इसकी तीन उप प्रजातियां भी हैं। कौन कौन सी हैं? वास्तविक जो है आपकी भूमध्य सागरी प्रजाति है, अटलांटो मेडिटेरियन प्रजाति है या ईरानी अफगानी प्रजाति है, ठीक है। और इनका जो नामकरण पड़ा है वो भूमध्य सागर के चारों ओर विस्तृत होने के कारण पड़ा है। तो उम्मीद है कि जो UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी 2014 का पेपर था ये काफी हद तक बहुत अच्छा था PGT और TGT के मुकाबले। तो ये उम्मीद है कि जो भी आपको 70 प्रश्न तैयार कराए गए उन 70 प्रश्नों से कम 140 प्रश्न और एक्स्ट्रा तैयार हुए, मतलब कुल मिला के हमने 200 प्रश्न इससे तैयार कर लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करिए। जहाँ भी आपको डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल रहूँगा, आपको जो है उसका रिप्लाई करूँगा। लेकिन अगर आप अपने दोस्त जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेकर के कम्पिटेटिव एग्जाम्स की, उनको जरूर वीडियो शेयर कीजिए क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।